मैं पास हो गया। पापा मैं पास हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी तक हाथ नहीं धोया, मैं यूरिन पास किया वो बता रहा था। तेरी जिंदगी में वही एक चीज है जो तू ढंग से पास करता है, अगर वो भी ढंग से नहीं किया तब तो तेरी जिंदगी बेकार। अब मैं क्या करूँ पापा, जो मेरे सामने बैठकर एग्जाम देता है मैं उसकी पूरी कॉपी करता हूँ, वो तो पास हो जाता है लेकिन मैं फेल हो जाता हूँ। hey, तेरे सामने जो बैठता है वो बीकॉम होता है या बीए होता है, तो तू कैसे पास होगा गधा कहीं का? आप मुझे इतना ज्ञान दे रहे हैं एक समझदार पिता की तरह, लेकिन कभी रिश्वत के लिए पैसे दिए, पेपर एक्सचेंज के लिए पैसे दिए, एग्जामिनर को खिलाने के लिए आज तक कभी पैसे दिए क्या? जब वो पैसे मांग रहा है तो दे देना चाहिए ना आपको। तू मुंह बंद रख भगवान, मार्क्स सेट करने के लिए टीचर को पैसे देने की बात कर रहा है, तो देने चाहिए थे ना? दिए थे ना, पर टीचर मुझसे सेट हो गई। पापा वेरी गुड, तो इसकी टीचर के साथ ही सेटिंग कर ली। हे भगवान। हाँ तो क्या, टीचर को ही सेट कर लिया है तो तू पास हो जाएगा ना? लेकिन तुम्हारा क्या होगा? हाँ देखो भगवान, अगर हर किसी की बीवी मेरी बीवी जैसी अच्छी हो तो दुनिया से डिवोर्स नाम की चीज ही हट जाए। कॉफी ले लीजिए। सुबह से वल्ला को ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। माँ वो यहाँ आया था क्या? सुरुचि, सुरुचि, सुरुचि। आ रही हूँ। अरे मैं बुला रहा हूँ, बाहर आएगी तू? क्या बात है, सुबह से मैं राजन को ढूंढ रहा हूँ, तुझे पता है वो कहाँ है? आज चिल्ड्रंस डे है ना, वो शैतान बच्चों के साथ धमाल कर रहा होगा। ए जानू, शनिवार को मैं आ रहा हूँ, हम दोनों पक्का मिलेंगे, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। बाय। हाय सीताराम। हाय राजन। अबे छोड़ ए, उस दिन हमने कॉफी शॉप पे उस लड़की को देखा था ना, जब वो मुझे मेन बॉल बनाकर साइड बॉल तुझ पे डाल रही थी। अबे यार उसका कुछ करना। अबे जरा उसको देख, ये अंगूर सारे अंगूर खा रहा है, जब वो मजे ले सकता है तो फिर तुझ में किस बात की कमी है? कितनी सारी लड़कियां आती, तूने आज तक किसी एक को भी नहीं पटाया। हमेशा बोलता है कि दिल को कोई नहीं भाती, तेरे दिल को कभी कोई भाएगी भी नहीं। गलती से कोई आ गई ना तो उसमें भी नुक्स निकाल देगा। तू नहीं निकालता है क्या? हाँ ठीक है ना। ए प्यार किसी भी लड़की से नहीं होता यार। अरे रोज हम न जाने कितनी लड़कियों को देखते हैं लेकिन सबके लिए हमारे दिल में अलग अलग फीलिंग्स होती है। किसी को देखकर दोस्ती करने को दिल चाहता है, तो किसी को देखो तो बस बातें करने को दिल चाहता है। और कुछ लड़कियां जमाने में ऐसी भी होती है, उन्हें एक बार अगर देख लोगे ना तो तुम्हारे सर से लेकर पाँव तक बदन में अजीब सी फीलिंग होने लगती है। और मुझ में ऐसी फीलिंग पैदा हो जाए, ऐसी लड़की आज तक मैंने नहीं देखी यार। ऐसी लड़की मुझे मिल जाए तो यकीनन मुझे प्यार हो जाएगा। ए, तुम अपनी पसंद की लड़की देखना चाहते हो? हाँ चाहता हूँ। उससे पहले भगवान के पैर पड़ लो। पैर पड़ोगा तो मिल जाएगी? पैर नहीं पड़ोगे तो दिखेगी नहीं। तो फिर मुझे क्या करना है? चुपचाप भगवान के पैर पड़। हाँ भगवान, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा लेकिन आज कुछ मांगना चाहता हूँ। मुझे एक लड़की चाहिए जिससे मैं प्यार करूँ। उसको आप आज ही नहीं कल, नहीं नहीं एक महीने का टाइम देता हूँ आपको, लेकिन एक महीने के अंदर उसको मुझसे मिलवा देना प्लीज भगवान। बच्चा कब तक प्रार्थना करते रहोगे, अब प्रसाद लेकर जाओ। हाँ। भगवान से तो बात हुई है, देखते हैं वो मिलवाते हैं या नहीं। क्या बात है भगवान, मैंने आपको एक महीने का टाइम दिया था, आपने तो चमत्कार कर दिया, एक सेकंड में मिला दिया मुझे उससे। थैंक्स। तू और नहीं तो कौन? मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन। तू अरे तू यहाँ कब आया? ए, मंदिर में आए हुए मुझे 1.5 घंटा हो गया। क्या ढूंढ रहा है यार? ए, अरे वो मिल गई। ये लोग हनुमान की तरह क्यों कूद रहे हैं? देख लिया, देख लिया, देख लिया। अरे ऐसा क्या देख लिया तुम लोगों ने? हाँ बता क्या देख लिया तूने? तुम लोग भी बाहर जाकर ढूंढो। अरे यार अपने भाई को मंदिर में खूबसूरत लड़की मिल गई है। सुरुचि, तुमने कहा था ना भगवान से उस लड़की को मांग लो, मैं तुम्हें टीका लगाने जा रहा था और सामने वो लड़की आ गई। कहाँ देखा उसे? यही मंदिर में। और अभी कहाँ है वो? अरे पता नहीं ना। क्या यार मिस कर दिया ना? अरे मिस नहीं किया, किस कर लिया। उधर देख हो रही। कैसी लगी? खूबसूरत है। बल्ला बहुत खूबसूरत है। भाई तुझसे मुझे जलन हो रही है यार। ब्यूटीफुल है यार, बहुत अच्छी है। अरे भगवान ने इसे सिर्फ मेरे लिए बनाया है। ठीक है तो फिर इसे फॉलो करते हैं। हाँ। चल 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 चल। स्लो स्लो स्लो।
लेफ्ट राइट लेफ्ट क्या कर रहा है राइट अबे राइट लेफ्ट में हम अप हो जाएंगे अब ये शहर के बाहर तो नहीं ले जाएगी ना कहाँ जा रही है ये अरे अब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा हाँ अरे लगता है इसका घर यही अच्छा है। जो गेट बंद कर रहा है वो तेरा होने वाला ससुर है क्या करे यार अरे कुछ सोच कुछ आइडिया दे यहाँ पर एक गहरा गड्ढा खोदते हैं उसमें एक पाइप डालकर उसके अंदर से जाकर सीधे लड़की के बेडरूम में निकलते हैं बेवकूफ कौन हो तुम लोग ये अम्मानी मैं आर्ट नानी अंदर देवयानी है क्या हे तू हमसे पुलिस इंस्पेक्टर की तरह बात क्यों कर रहा है तू वॉचमैन है ना वॉचमैन की तरह ही बात कर हम दोनों ओम साई प्रोडक्शन से आए हुए हैं फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर सूर्या को ऐसा एक घर चाहिए ये हमें पसंद आया है। वो क्या है ना फिल्म का नाम एसी है इसीलिए हमको एसी लोकेशन चाहिए जिसके लिए पूरा एरिया छान मारा मगर कहीं नहीं मिला ये बंगला हमको पसंद आया है वल्ला अगले सीन में हम उस बालकनी से जाकर के बेडरूम के अंदर पहुंच सकते हैं मैं किससे बात कर रहा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये वॉचमैन है स्पाइडरमैन हे तुझे भी काम देता हूं ना अरे तेरी पर्सनालिटी बड़ी गजब की है ये एक अच्छा विलेन बन सकता है क्या बोलता है ठीक है घर में कौन है अभी हमारे मालिक और मैडम इस समय कोयम्बतूर में है और उनकी बेटी इस समय घर में बिल्कुल अकेली तो है। फिर तुम्हारी छोटी मालकिन का नंबर देना मुझे 2434200 बोलते रहो याद हो जाएगा मुझे याद करते रहे 2434200 2434200 लाल गाड़ी आई है वो हर जूता पकड़ने वाली गाड़ी आई क्या अंदर जाकर चल जा मंदिर में जैसे दिखाया था ना वही तुम्हारी स्वप्न सुंदरी आई है कहाँ वो मंदिर वाली इधर हाँ हमारे कॉलेज में आई है चल जल्दी चल उस तरफ देख ये कौन नई लड़की है हे ब्लैकी हाँ तू इधर आ Yes. Well, what's your name? सपना. Height क्या है तुम्हारी? 5'4". Hey, वजन कितना है? हाँ? 60. किस department में हो? I have joined as a trainee lecturer. ये क्या बोल रही है? अरे ये नई lecturer है. Good morning, madam. Good morning. छे भगवान ने भी क्या मजाक किया तुझे एक लड़की पसंद आई तो वो भी टीचर निकली हम सब कितने खुश थे यार लेकिन जब से ये मालूम चला कि वो तुझसे 3 साल बड़ी हम बहुत दुखी हो गए हैं तू टेंशन मत ले वल्ला तुझे इससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी बड़ी लड़की के साथ प्यार करना गलत नहीं है गलत है क्या गलत है बताओ बड़ी लड़की के साथ प्यार ना करने का कोई कानून है क्यों बड़ी लड़की के साथ शादी करना क्या गलत है शेक्सपियर ने बड़ी लड़की के साथ शादी नहीं की गांधी जी ने बड़ी लड़की के साथ शादी नहीं की हमारे सचिन तेंदुलकर ने अपने से बड़ी लड़की के साथ शादी नहीं की वो सब लोग तो खुश है ना फालतू की बात करते हैं ए ये कह रहा है वो कह रहा है या फिर मेरी भी बात पर ध्यान मत दे तुझे जो सही लग रहा है बस वही कर मैंने सोचा नहीं था कि जो लड़की मुझे मिलने वाली है मुझसे उम्र में बड़ी होगी बस यही सोचता था कि वो लड़की मुझे कब मिलने वाली है और वो मुझे अब मिल गई है हेलो हेलो मुझे आप बहुत पसंद हो एक्चुअली मैं आपसे प्यार करता हूँ मैं आपसे मिलना चाहता हूँ कल कौन हो तुम कैसी बातें कर रहे हो लगता है रॉन्ग नंबर लगा दिया है फोन रखो नो 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 फोन कट मत करना मेरी बात तो सुनो प्लीज जब मैं तुम्हें जानती ही नहीं तो फिर तुम्हारी बात क्यों सुनो वो क्या है कि मैं स्टाइल में शाहरुख खान हूँ और दिखने में सलमान के जैसा हूँ जी स्टूपिड अबे यार तू लड़की से अगर ऐसे थकेले डायलॉग बोलेगा तो वो फोन कट करेगी ही ना चल ठीक है तूने उससे प्यार करने का फैसला कर लिया ना तो तू कल उससे जाकर के मिल अपना स्टाइल दिखा और इंप्रेशन जमा दे क्या बोल रहा है कुछ समझ में आया ऐसा बोलना अरे ये तुझे इंग्लिश नहीं समझ आती क्या अरे उसकी शादी हो गई सीरियसली कांग्रेट्स यार तूने बताया नहीं What are you saying? मैंने समझाया सबको समझ में आ गया तुम्हारी समझ में नहीं आया What are you saying? हाँ जानू हमारी शादी कब होगी घूम फिर लो मजे कर लो मेरे सारे नखरे सहो ये मस्का मार रहे हो वहीं तक रहो शादी के बारे में भूल जाओ मैं भी यही सोच रहा था इसीलिए तो तुझे साथ रखा है Yeah.
40 70 नंबर की बस आई क्या? आई थी, लेकिन उस लड़की को देखकर अपना रूट चेंज करके चला गया। भगवान ने तुझे चार आग दी फिर भी तुझे दिखाई नहीं देता क्या? अरे यार क्या कहा, मुझे दिखाई नहीं देता? तूने लाल रंग की टी शर्ट पहनी है ना? ये बात तो पूरे शहर को पता है। देख तो ज्यादा मत बोल, समझ गया ना? सही है यार। अरे इस लड़की का नाम सुरुचि है ना? नाम बताकर ज्यादा उछल मत, बहुत होशियारी दिखा रहा है तू, मारो। क्या रे, उंगली दिखाएगा? हाथ उठाया तो क्या कर लेगा तू? पनीर बना दूंगा। अरे यार ये कौन है, पागल है क्या? यार पागल है। अरे मार कर भगाओ ना इसको यार। उसे एक बार फोन लगा। अरे मैं कितनी बार फोन लगाऊं उसे? एक बार और लगा ना। पता नहीं सुबह किसका मुंह देखकर उठा था, सुरुचि का देखा। अबे तू उसका नहीं तेरा मुंह देखा था, मारूंगा ना एक। अरे अरे क्यों लड़कियों को छेड़ रहा है, कैसा नमूना है यार ये? मेरा नाम पार्वती। इसे थप्पड़ मरवा के क्यों रुला दिया तूने? अरे मैंने कहां रुलाया इसे? अच्छा ये बता कि तू है कौन? तुम सबने मुझे पहचाना नहीं? पहचाना कौन है तू? अरे यार मुंह में थूक दिया। ये तो ऐसे स्टाइल मारा जैसे कि शाहरुख खान या टॉम क्रूज हो। अरे तू यहाँ से निकल, चल भाग जा यहाँ से। चल चल उसे फोन लगा जल्दी। कितनी बार कह चुके तुझे? ए तू अभी तक गया नहीं? अब भी नहीं पहचाना? वल्ला हाँ मैं। अबे ये क्या हुलिया बनाया तूने? उसे इम्प्रेस करना है मुझे। अरे तू पागल हो गया है क्या? उसके प्यार में पागल हो गया हो? ए, इस हुलिये से वो कभी इंप्रेस नहीं होने वाली, उल्टा तुझे रास्ते में कोई भीख जरूर दे देगा। समझ में आया? ये क्या बकवास हुलिया बना कर रखा है? इस हुलिये में इसका मेकअप नहीं, ब्रेकअप जरूर हो जाएगा। ये देख फिर से गेटअप पे आ रहा है। तुम बस देखते रहो, ध्यान से देखना मेरे परफॉर्मेंस को, हल्के में मत लेना। बात करता है। हेलो मैडम। Yesterday phone call, Rajan Valla, मैंने फोन किया था, भूल गई आप? फोन कॉल? या yesterday। Nonsense। वो सब छोड़िए, मैंने आपके लिए कुछ लाया है, ये लीजिए। एक्सक्यूज मी प्लीज मैडम, सॉरी मैडम, वो क्या है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपसे आपके बिना जी नहीं सकता। मैडम मेरी बात सुनिए, मैडम प्लीज प्लीज प्लीज। क्या कर रहा है? अबे निकल। मैडम प्लीज एक बार कांच नीचे लीजिए, प्लीज प्लीज मैडम एक बार। सच कह रहा हूँ मैडम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो अगर दोबारा मुझे डिस्टर्ब किया तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। अरे पुलिस की आप वॉचमैन से कंप्लेंट कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैडम। छी, बाप रे, दिमाग खराब है क्या? कौन हो तुम? ये क्या बदतमीजी है? पब्लिक में कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? एक अजनबी लड़की के साथ ऐसे नाचना गाना ऐसे कोई करता है क्या? ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुम मुझे जानते हो। कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में तुमने? ये दूरबीन चूहे जैसे दांत, ऐसे चेहरे को कोई लड़की पसंद करेगी क्या? नहीं वो ऐसी बात नहीं। चल शराब, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। एक मिनट। क्या है क्या है? क्या है ये? ओहो पिताजी वो उधर है। इधर क्यों रे? ये चश्मा पहनकर तुमने उसको देखकर आई लव यू बोला था और तुम्हें लगा था कि वो मान जाएगी। चश्मा छोड़िए, वो दांत। हाँ दांत है। क्या है? शेर का दांत है? नहीं वो शेर का एक छोटा वर्जन है ना हमारे यहाँ उसका। ऐसा क्या? बेटे को शेर बोलती है। अब ऐसे बदनाम होना ही था तो फिर इसे तैयार करना था। मेरे दिल को तो मैं नहीं बदल सकता ना, इसीलिए मैंने अपने चेहरे को ही बदल दिया था और वो दांत लगाए थे। सुंदरता देख के प्यार नहीं होता है, प्यार तो सच्चे दिल से होता है और वही असली प्यार होता है। असली प्यार होता है? अबे ओए सुन, लड़कियां चाहती है कार, कार के बाद पैसा, पैसा के बाद जमीन जायदाद। अगर लड़के के पास ये सब कुछ नहीं है तो लड़की कभी प्यार नहीं करती। सारी लड़कियों को तू ऐसे बदनाम मत कर। तू कभी किसी लड़की से सच्चे दिल से सच्चा प्यार अगर करेगा ना तो वो अगर सात समंदर दूर भी रहेगी ना तो तेरे लिए दौड़ते हुए आ जाएगी। इसने कभी सच्चा प्यार नहीं किया? अरे इसे क्या पता सच्चा प्यार क्या होता है? सच्चे प्यार के लिए घर बार माँ बाप जायदाद सब कुछ छोड़ के आने वाली लड़कियां अभी भी है, और मुझे वैसी ही लड़की चाहिए और उसी के लिए सब मैंने किया था। चल माना तूने उसी के लिए ये सब कुछ किया था, लेकिन लो बजट हुलिया क्यों यार? अगर तुझे हुलिया ही बनाना था तो टाटा बिरला वाला बनाता, ताकि अंबानी की बेटी पड़ जाती और तू लाइफ में सेटल हो जाता। अंबानी की लड़की के साथ शादी करके तू बड़ा आदमी बनना चाहता होगा, लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूँ और वो मुझे मिल जाए तो मैं किसी अंबानी से कम नहीं, समझा क्या? क्या उस दिन तो तू बहुत प्यार व्यार की बातें कर रहा था और आज तक उसे फोन भी नहीं किया। फोन ला इधर। आई एम वेरी सॉरी लिख के मैसेज भेज रहा हूँ उसे।
हेलो, मैं सपना बोल रही हूँ। आप वही चूहे जैसे दांत वाले हैं ना? हाँ जी। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आज तक कभी किसी के साथ इस तरह से बिहेव नहीं किया, पर आप जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं क्या करती, उस वक्त आपकी हरकतें ही ऐसी थी। आपके ऊपर हाथ उठाया इसका मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, इसलिए आपको सॉरी कहने के लिए यहाँ बुलाया। अरे कोई बात नहीं, आपने ही मारा था ना, किसी और ने थोड़ी मारा था, और वो सब मैं भूल भी गया। बस आपको नहीं भूल पाऊंगा मैं। तुम जिस लड़की को जानते नहीं उसे प्यार कैसे कर सकते हो? इन सब चीजों के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। मेरी बात मानो तो मुझे भूल जाओ। किसी लड़की को चाहने के लिए पहले उससे मिलना चाहिए, उससे दोस्ती करनी चाहिए। पर तुमने क्या किया? एनीवेज, जस्ट लीव इट। इसके बाद हम नहीं मिलेंगे। बाय। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या हुआ? प्यार नहीं तो दोस्त बनकर रहते हैं, अब यही बात कहना चाहते हो ना तुम मुझसे? अरे क्या बात है, जो बात मैं बोलने वाला था वही बात आपने ही बोल दी। जो मैं सोचता हूँ आप कैसे जान जाती हो? मुझे लगता है कि हम दोनों एक जैसा सोचते, कुछ तो भी है हमारे बीच में। एक नंबर के बुद्धू हो तुम। एक बार बोलने से समझ में नहीं आता। देखिए देखिए, मैं जो कहना चाहता हूँ आपके समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनिए। देखिए, आपसे मिलने के लिए मैंने अपने दोस्तों को भी बुलाया, एक बार मिल तो लीजिए। तंग मत करो। अरे नहीं नहीं, मैं आपको तंग नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझसे प्यार करो, मैं बस ये बोल रहा हूँ मेरी बात सुनो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों से मिल लो। देखो उनसे मिलोगी तो क्या होगा। अरे सुनो तो, कॉलेज में शंकर नहीं आया तो तुमने उसका अटेंडेंस लगाने से मना कर दिया था। हाँ, मैंने ही मना किया था। तो क्या हुआ? तो अभी भी नहीं लगाओगी? तुम मुझे डरा रहे हो? क्या कर रहा है, ये तेरा असली रूप नहीं है। अरे सर, जाने दीजिए ना सर, छोड़ दीजिए, ये लड़की बहुत सीधी है सर। आई एम सॉरी सर, हमें जाने दीजिए प्लीज सर। कौन लगता है इसका? मैं वो। ए, बोलना कौन है तू इसका? ए, क्या लगता है तो उसका फ्रेंड सर, फ्रेंड के जैसा हूँ मतलब। तो मुझे मारोगे तो मैं डर जाऊंगी क्या? तुम्हारी धमकी से भी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। नहीं लगाओगी तू? उसे क्यों मार रहे हो, उसे छोड़ दो। तो जाकर लगा शंकर का अटेंडेंस। प्लीज उसे छोड़ दो। छोड़ दे उसे। मैंने क्या किया? उसे प्लीज। मुझे छोड़ दो। प्लीज उसे छोड़ दो। मैं तो उसे जानती तक नहीं। लगाएगी ना अटेंडेंस? प्लीज छोड़ दो उसे, क्यों मार रहे हो उसे? तो अब बता, शंकर का अटेंडेंस लगाएगी कि नहीं? ठीक है लगाऊंगी, अब तो छोड़ दो। मेरी वजह से तुम्हें उन लोगों ने इतना मारा। पहले ही हाँ कह देती तो वो लोग तुम्हें इतना नहीं मारते। अरे कोई बात नहीं, आप पहले जाइए यहाँ से। तुम्हें इतनी चोट लगी है, खून भी बह रहा है, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात सुनिए, यहाँ से निकल जाइए। तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जाऊँ? देखिए बार बार अगर आप यही बात करेंगी तो मुझे लगेगा कि आप मुझसे प्यार करती है। प्लीज जाइए आप यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ ना। ए डंपर, जंगल से चला रहा है क्या? तुझे ये भी नहीं पता है कि बड़े शहरों में सड़क कैसे क्रॉस की जाती है? चल गेट आउट। अबे अरे बाप रे, देखने में तो एक नंबर का बुद्धू लग रहा था, लेकिन अभी तो सुपरमैन बन के काम कर रहा है। एनीवे, आई लाइक इट। बल्ला बल्ला मिस बल्ला।
इतनी मेहनत से मैंने तुम्हें लाइन मारी, तुम्हें पटाया, तुम्हें लेकर आया और तुम उसके लिए वाव कह रही हो? ओह माय गॉड। भाई मैं जा रहा हूँ। माफ कर दो भाई, मैं गलती से यहाँ आ गया। पहले मैं रेस का घोड़ा संभालता था, लेकिन गलती से इस लाइन में आ गया हूँ। भाई मुझे माफ कर दो, मैं गुंडा नहीं हूँ। इधर पास कर, पास कर, चल चल पास कर, इस तरफ, अरे ये ले, मेरी तरफ, मेरी तरफ, अरे यहाँ पास कर, ये करना, ये ले, ठीक करना। अबे यार पास कर, अरे अरे भाग ना, नहीं नहीं, देख देख देख, अरे क्या कर रहा है यार, देना शाबाश, अब मुझे देना। अबे क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, चोट कैसे लगी, चोट लगी यार। अरे क्या, 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 हुआ? क्या हुआ? अबे तू हट ना, हेलमेट लगा के पूछ रहा कि क्या हुआ। वल्ला तुझे किसने मारा, बता ना। बोल ना यार, अरे बोल ना यार, क्या हुआ, क्या हुआ, बोल ना, क्या हुआ, अरे बता तो, हुआ क्या, क्यों टेंशन दे रहा है, बोल ना भाई, वल्ला बता क्या हुआ तुझे। अरे क्या लगा रखा है ये, उससे मिलने गया था मैं और वही मुझे ये चोटें लगी, ठीक है ना, वो मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानती। जाओ जाओ खेलो यार तुम लोग। ए वल्ला सुन ना, वल्ला बात तो सुन। अरे ए वल्ला, सुनो, वो सपना है ना, फिंगर चिप्स, अरे वो मुझे अपना दोस्त मान लिया है, उसने मैसेज भेजा मुझे। लगता है आज आप बहुत खुश हैं, क्योंकि आप मेरे साथ आई है ना फिल्म देखने, है ना। वैसे मैं भी बहुत खुश हूँ, आपका स्वागत है। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, हम पिक्चर ही देखने जा रहे हैं ना। आप खुश है ना। ए, हम लोग ही फर्स्ट आ गए क्या? हम ही फर्स्ट है और हम ही लास्ट है। आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था ना, इसीलिए शो के सारे टिकट मैंने खरीद लिए और आज का ये शो आपके लिए। हाँ। सारे टिकट तुमने खरीदे, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? उसका क्या, वो सब छोड़िए ना। कुछ पूछ रही हूँ ना, बताओ। अब छोड़िए ना। तुम बताते हो या नहीं? मैंने बाइक बेच दी। ज्यादा मत सोचिए, मैंने अपनी नई बाजू वाले की बाइक बेच दी। बाजू तुम नहीं सुधरोगे, तुम्हें पागल कहूँ तो भी तुम्हारे लिए कम होगा, ऐसी हरकत कर भी कैसे सकते हो, यूज़लेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आइडिया धीरे धीरे काम कर रहा है, फिल्म तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। ऑपरेटर स्टार्ट द मूवी प्लीज। बैठ जाओ, यहाँ। हाँ ठीक है, पूरा थिएटर खाली है, हम कहाँ जा रहे हो, बैठ सकते हैं। आप वहाँ बैठिए, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तुम सच में पागल हो। देखो वो, ये लीजिए मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, पॉपकॉर्न, आपको जो चाहिए आप वो ले सकती है, एकदम आराम से खा सकती है। देखिए कोल्ड ड्रिंक्स भी है, पॉपकॉर्न भी है, पानी भी है, और क्या क्या है, चिप्स भी है, और कुछ चाहिए आपको इसके अलावा? आप
आप थोड़ा जल्दी लीजिए, मेरा हाथ दर्द देने लगा है। वो क्या है कि बहुत समय से उठा के रखा है ना इसे। जल्दी लीजिए प्लीज, ये लीजिए वाटर। एक कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी, हाँ हाँ ये भी अच्छा है। और कुछ नहीं थैंक्स। ठीक है मैं ले जाऊँ। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो, सुबह से ढूंढ रही हूँ तुम्हें, कहाँ गए थे? सुबह से पुलिस स्टेशन में ही हूँ। कौन हो तुम और कहाँ से बोल रही हो? पुलिस स्टेशन में आवाज बदल कर बात क्यों कर रहे हो? अरे मैं आवाज नहीं बदल रहा हूँ, ये मेरी ओरिजिनल आवाज है। मैं पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। ये वल्ला का फोन है ना? हाँ वल्ला का ही फोन है, मैंने उसे चोरी के केस में अंदर रखा है। सर क्या हुआ? जो कुछ भी कहना है कोटम पुलिस स्टेशन में आकर कहो। सर हाँ, वल्ला किसी प्रॉब्लम में है क्या? फोन पर तुम ही बात कर रही थी ना? हाँ सर। वो लगता क्या है तुम्हारा? वो मेरा फ्रेंड है सर। फ्रेंड? दिखने में तो तुम बड़े घर की लग रही हो और ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखती हो। पर सर वो तो बहुत अच्छा लड़का है। क्या कहा अच्छा लड़का? अरे कल रात को इसने सब कलेक्टर के घर में चोरी की। क्या चोरी की ये बता भी नहीं रहा है, पूरी रात पूछताछ की लेकिन ऐसे बैठा रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा है। तुम उसकी दोस्त हो ना तो उससे पूछ कर बताओ। ए रवि राजेश उसे लेकर आओ। ए, चल चल बोला ना। सर इतनी मार लगाई लेकिन ये ऐसे ही रहता है सर, मुंह खोल ही नहीं रहा है ये। मारते मारते इसे मेरा डंडा टूट गया लेकिन इसका मुंह नहीं खुला। ए, क्या चुराया तूने? अब तो बता दे यार। जरा इसका चेहरा तो देखो, मार खाकर ऐसा हाल हो गया है लेकिन बता नहीं रहा है। ए, बोल क्या चोरी की तूने? बोल, बोलता क्यों नहीं? बता क्या चोरी की? अरे बोल, बोलता क्यों नहीं? नहीं बताएगा? हाँ नहीं बताएगा? प्लीज सर, एक मिनट सर प्लीज, मैं इसे पूछकर बताती हूँ प्लीज। ठीक है पूछ लो। ए, चलो बता नहीं इसकी चमड़ी क्या कैसी क्या है तुमने? क्या है कि बताओ बात क्या है? आपको किसने यहाँ आने के लिए कहा? मुंह बंद करो, तुम इसे चोरी कैसे कर सकते हो? अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझे कह सकते थे। अरे रे 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 रे, पैसा रुपया जेवरात सब कुछ उधर ही है, इसने दरअसल कुछ और ही चुराया है। अब तुम खुद इससे पूछकर बताओ। पैसे रुपए नहीं चुराए तो फिर क्या चुराने गए थे वहाँ? इतने सारे लोग पूछ रहे हैं, इतनी मार खा रहे हो, मुंह खोल कर बता नहीं सकते? बताता हूँ बताता हूँ। हाँ सर। हाँ? इसने सैंडल चोरी की है सर। क्या कहा सैंडल? एक्सक्यूज मी मैडम, ये ऑलरेडी बिक चुका है। आपके पास दूसरा पेयर? सॉरी मैडम, हमारे पास एक ही पेयर था इसका। इट्स ओके, वो बहुत अच्छी थी पर किसी ने ऑलरेडी खरीद ली है। तो क्या हुआ, तुम्हें ये सैंडल जरूर मिलेगी। कैसे मिलेगी, उड़कर आएगी क्या? यूजलेस। अरे उसके बारे में तुम मत सोचो, मैं हूं ना। हाँ बस यही रोक दीजिए। आप भी इसी तरफ रहती है क्या? मेरा भी यही रास्ता है। क्यों किया तुमने ऐसा? कोई ऐसा करता है क्या? आज तक कभी किसी ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, क्यों किया? क्या बात कर रही हैं आप, मैंने जो चाहा वो नहीं मिला। एटलीस्ट आपको जो चाहिए वो तो आपको मिलना चाहिए ना। प्लीज आप रोइए मत, प्लीज आप रोएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुमने मुझे ही चाहा था ना, आज से मैं तुम्हारी हुई। क्या बोला? क्या बोला उसने? मेरे कहीं काम तो नहीं बदले? क्या कहा उस दांत वाले से? अरे तू पागल हो गई है क्या? What's wrong with you यार? तू सच बोल रही है क्या? तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? हाँ मैं उसे प्यार करती हूँ, उस पे दया करके उसे फ्रेंडशिप कर ली वो तो ठीक है, पर प्यार? ए,
यहाँ हम लोग सीरियस बात कर रहे हैं और ये तेरा क्या नाटक चल रहा है यार? मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम ध्यान मत दो। ठीक है, फ्रेंडशिप तक ठीक है, ये लव शव नहीं चाहिए। ये सब बोलने वाली तू कौन होती है? मुझे वो पसंद है और मैं उससे ही शादी करूंगी। क्या कहा तूने? तू उस लड़के से प्यार करके उसी से शादी करेगी? दैट्स टू बैड यार। अरे ये समझ क्यों नहीं रही, तू चुप क्यों है, कुछ बोलना। ए, चुप है। देख मैं तुझे समझा रहा हूँ, हम जो कह रहे हैं उसे मान ले, नहीं तो बाद में ना तू बहुत पछताएगी। सही बोल रहा है, वो लड़का, उसकी शक्ल, उसकी पर्सनालिटी और उसका वो चश्मा, दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। सिर्फ किसी की शक्ल देखकर मैं शादी नहीं करना चाहती, किसी सच्चे दिल वाले इंसान से ही मैं शादी करना चाहती हूँ, ऐसा कोई जो जिंदगी भर मुझे संभाल पाए। तो तुम लोग अपना काम करो प्लीज। ए, छोड़ यार, ये अपनी बात सुनने वाली नहीं है। दिव्या, कल कितने बजे तुम्हारे रिसेप्शन पे आना है? कल शाम ठीक 7 बजे। सब लोग अपने फ्रेंड्स को लेकर आ जाना और तू भी उसे ले आना शादी में। थैंक यू सो मच। इसे रखिए। हाय, मुबारक हो। थैंक यू। अबे तेरी फैमिली कहाँ? अरे वो देखो, वो आ गए। कम ऑन। ओ मेरे मुन्ने, चुप हो जा। इसे दूध पिलाना है। मैं कैसे पिलाऊंगा? बॉटल दे रही हूँ ना, ये लो। अच्छा चलो चलो चलो, हम लोग अंदर चलते हैं। ए, वल्ला नहीं आया, उसके बिना कैसे जाएंगे? इसीलिए कहा था काम काज करने वाले से लव शव करो। हम सब लोग तो टाइम पर आ गए, पता नहीं तेरा लवर कहाँ होगा। क्या कहा? वल्ला अभी तक नहीं आया। अरे ये क्या मजाक है, वो हमसे भी ज्यादा बिजी है। ए, तुम लोग कितना भी स्टाइल मार लो, मेरे बॉयफ्रेंड की बराबरी नहीं कर पाओगे। मैंने उसे कोट, सूट, बूट, टाई सब खरीद के दिया है, बस 5 मिनट में आता ही होगा, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि स्टाइल क्या होता है। देखो कैसी बातें कर रही है, हमसे ज्यादा स्टाइल में आएगा। करके देखते हैं। कहाँ है यार, बोला 5 मिनट में आ जाएगा। वो देख आ गया। तू तो बड़ी तारीफ कर रही थी, ये तो लटकू लग रहा है। अरे ये तो मोरनी के जैसा आ रहा है, मोरनी बागा माडोले आधी रात माँ। अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस। सॉरी पल्लवी, थोड़ा लेट हो गया। अरे ये पकड़ी है, 2 मिनट में रेडी हो जाता हूँ मैं, बस 2 मिनट। अरे अब ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, जल्दी जल्दी में कपड़े पहनने गया, सब गड़बड़ हो गया, बस 2 मिनट तो तैयार हो जाऊंगा। अच्छा, ये बूके सर पर लेकर क्यों आए? क्या है, बूके वाले को मैंने पूछा कि इसे कैसे ले जाओ, तो उसने कहा कि सर पर रखकर ले जाओ, तो मैंने उसकी बात मानी। अच्छा, ये अंदर पहनने वाला ऊपर क्यों पहना है? नहीं, मैं चड्डी अंदर नहीं पहनता। अरे मैं उसकी नहीं इसकी बात कर रहा हूँ। इतना महंगा कोट है, उसे अंदर क्यों पहना, उसे ऊपर पहनना चाहिए। पागल है पागल। अरे ये मुझे पागल बोल रहा है। ये क्या है सपना, सब लोग देख रहे हैं, क्या कर रही है? क्या कर रहे हो तुम? इन कर रहा हो? कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप जाओ यहाँ से। अब रिसेप्शन, निकल जाओ यहाँ से, कहा ना तुम्हें। सॉरी सपना, मुझे लेट हो गया। तुम जा रहे हो या नहीं? गो! क्या? ए, इसने जाने के लिए बोला ना, अब क्या कर रहा है, निकल यहाँ से। जा रहा हूँ ना। बहुत बोलता है, खुद को कलेक्टर समझता है। हे, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे वो तो चला गया, चल हम लोग भी चलते हैं। मैं नहीं आ रही। अरे चलेगी तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई मत जाओ, सब यहीं रहो। अरे तो फिर बच्चे को तुम ही संभालो। ओके, ठीक है जानू, हम भी यहीं बैठते हैं, तुम मेरी गोद में बैठ जाओ। तू कभी नहीं सुधरेगा। वो ऐसा करेगा तुमने सोचा नहीं था ना। सॉरी, चलो हम सब साथ चलते हैं। बिजली की जैसी गाड़ी चलाने वाला कौन हो सकता है? सॉरी गाइस, थोड़ा लेट हो गया, चलो सपना चलते हैं। आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा? मैं ही हूं राजन वल्ला। हाँ, मैंने तुम्हें पहली बार मंदिर में देखा था, देखने के साथ ही मुझे प्यार हो गया। तुमसे फोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तुमने मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मैंने अपने आप को बदल दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई मेरे चेहरे से प्यार ना करे बल्कि वो मेरे सच्चे दिल से प्यार करे, और इसीलिए मैंने नकली दांत और चश्मा लगाया और तुम्हारे सामने चेहरा बदल कर आया। अब मुझे नहीं लगता कि उसकी कभी जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि अब मुझे लगता है कि तुम मेरे चेहरे से नहीं, मेरे सच्चे दिल से प्यार करती हो। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, और वो अब जोश में ये मत बता देना कि तू उससे छोटा है, पहले उसका रिएक्शन जान ले। अब तुम बोलो। अचानक से तुम मेरे सामने इस तरह आ जाओगे तो
मैं क्या कह सकती हूँ? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ आओ, नो प्रॉब्लम। हे, थैंक यू सो मच। हाय, हाय, थैंक यू सो मच। वैसे कुछ भी कहो, मुझे तुम्हारा वही रूप पसंद है। ऐसा क्या? एक सेकंड दो मुझे। हैं? अब ठीक है ना? ओके। हाँ तो क्या बोलती हो? उससे ज़्यादा स्मार्ट हो ना? तू चुपचाप रिसेप्शन के मजे ले, ज़्यादा उड़ मत। ओके, फोटो निकालो, फोटो, फोटो, फोटो। कैसा है मेरा प्लान? आप भी कमाल के हैं, इतनी देर तक झुका के रखा हमें। तो और किसके लिए झुकाता? इससे बेस्ट प्लान हो ही नहीं सकता। क्या बोलती हो भाग्यवान? सुपर प्लान। अरे काहे का सुपर प्लान, मेरी बात मानो। वल्ला इतनी मुश्किल के बाद उस लड़की को यहाँ पर दिखाने के लिए ला रहा है और आप लोग पुराने जमाने के घिसे पिटे प्लान बना रहे हैं। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, ये फालतू के प्लान मैं नहीं चलने दूंगा। कान खोल कर सुन लो मेरी बात। इतने दिनों बाद उसे सताने का मौका मिला, तू उसे बिगाड़ रहा है। आओ बेटी, अंदर आ जाओ। नमस्ते। अच्छा, अरे आइए आइए। ये सुरुचि। हाय सुरुचि। नमस्ते। मेरे अंकल। हेलो अंकल, आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। अरे इसकी बातों पे यकीन मत करो। अरे नहीं नहीं, अच्छा ही बताया है। तब तो यकीन कर लो। इसने मुझे बताया कि आप शुरू से ही बहुत स्ट्रिक्ट और फ्रेंडली थे। वैसे इसने हमारे बारे में कुछ बताया है क्या? ओ, तो तुम लोग ही इसके निकम्मे दोस्त हो। कमीने दोस्त। अरे इनके बारे में जान के हमें क्या करना है? तुम बैठो बेटी, सब सब बैठो। हां भगवान, सबके लिए कॉफी लेकर आओ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, आती हूं बेटा। मैं कॉफी लेने जाऊँ ना? ठीक है जाओ। यस यस। कॉफी में चीनी कितनी डालू? पूछ रही थी ये। उसके लिए इतना खुश होने की क्या जरूरत है? सब कुछ मैं ही बोलूँ। अरे तुम लोग भी बात करो ना, बात करो। स्कूलिंग कहाँ से की है? स्टेन स्कूल कोयम्बटूर। तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया, ये सब तुम्हारे ही कॉलेज में है। बैठ जाओ नीचे। तेरा भी तो वही कॉलेज है ना? मैं तो भूल गया। नहीं नहीं, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ रहा था, यही बात बताना चाह रहे थे। यही बात है ना अंकल? हाँ हाँ, मैं भी बहुत साल पहले उसी कॉलेज में पढ़ा करता था। अब ठीक है ना? और ये बिजनेस कर रहा है बेटी, है ना? नहीं नहीं। हाँ हाँ बेटा, तुम लोग ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? अपने बारे में कुछ बताओ ना। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ ना, मेरी उससे शादी में प्रॉब्लम आ रही है। ये कब से प्यार करने लगा? तू प्यार करता है? क्यों, पैसों की कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं जी। नहीं तो फिर रिलेशन की कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर? मैं जिससे प्यार करता हूँ वो लड़की मुझसे 3 साल बड़ी है, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है शादी में। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या? बस सिर्फ 3 साल बड़ी है। क्या 3 साल बड़ी? 36 months only। अभी कैसी बातें कर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने से 3 साल बड़ी लड़की से कोई प्यार करता है? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? और वो लड़की क्या बेवकूफ है? सत्यानाश हो गया पूरा। क्या अंकल, आपको तो समझाना चाहिए ना। अब मैंने समझाया तभी तो इसने किया ना बेटी। मेरा मतलब है, मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की। मैं कॉफी लेकर आता हूँ बेटी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं कॉफी लेकर आ गई हूँ। सोचा था कि नहीं आएगी और चली आई। हाँ दो कॉफी, दो कॉफी दो। क्या आप में कुछ बात कर लो बेटी? सिर्फ 3 साल की ही तो बात है, उसमें इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई? आंटी आप भी इनकी तरह। मैं डायलॉग सही तो बोल रही हूँ ना जी? डायलॉग तो सही बोल रही हो, लेकिन गलत टाइम पे बोल रही हो। वो कॉफी में चीनी 3 साल के बाद डालने के लिए लाया था। आप लोग कुछ भी कहिए पर ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? अपने से 3 साल बड़ी लड़की से कोई प्यार कैसे कर सकता है? अब एक्चुअली वेरी सॉरी अंकल। कोई बात नहीं। कैसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे? वो क्या है कि हमें कहीं बाहर जाना था तो हम चलते हैं। अरे कॉफी और थोड़ी देर रुकते हैं ना। चलो। ऐसे नाराज क्यों हो? मैंने कहा ना हमें जाना है। ओके बाय सुरुचि। नमस्ते अंकल। बाय बाय, चलती हूँ। वो मिलता हो। आ जाओ, थोड़ी देर रुक कर जाना। हाँ इट्स ओके, मैं बस निकलता हूँ। थोड़ा पानी मिलेगा मुझे? हाँ प्रिया। ओ मैं ही लेकर आती हूँ। अच्छा वो काम वाली कहाँ गई? प्रिया क्या, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए गांव गई है। क्या काम वाली भी नहीं है? क्या बात है यार, अरे ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला भाई। निकलता हूँ। चल चलता हूँ। तो फिर मैं जाऊँ ना? हाँ जाओ। और कुछ
सब कुछ तो हो गया, अब क्या, जाओ ना। जाता हूँ, बस मैं वो क्या है कि तो जाओ ना। अरे कैसे बात करूँ। ठीक है मैं निकलता हूँ। ओके सी यू। वो मैं ये कह रहा था कि वो जो है कि वो अब जाओ ना। हाँ जाओ। ठीक है ओके चलता हूँ। अरे बात नहीं बन रही यार। एक मिनट सुनो। तुम जा रहे हो? हाँ लगता है गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। हाँ मैं बस वही बोल रहा था कि जाना तो है, बस मैं के वो तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? उस तरफ। सुबह हो गई क्या? ये भगवान भी ना रात इतनी छोटी कर देता है, थोड़ी बड़ी कर दे तो क्या होगा। क्या हुआ? अरे क्यों रो रही हो? हमसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? ये सब शादी के बाद होना चाहिए था ना, पर हमारे बीच तो अक्सर लड़कियां ये सब होने के बाद ही क्यों सोचती है? जब सोचना ही था तो रात को ही सोचना था ना। अरे यार तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मेरे कपड़े कहाँ हैं? अरे यार ये रहा जींस। क्यों ऐसा क्यों हो गया? मैंने क्यों होने दिया? सब कुछ गलत हुआ। अब मैं कैसे सबसे नजर मिलाऊंगी? अब नजर मिलानी है तो मुझसे मिलाओ ना, अब जो हो गया उसे बदल नहीं सकते। अच्छा सुनो, तुम मुझसे शादी करोगे ना? क्या कहा? शादी? शादी? अभी 4 दिन नहीं हुए तुमसे प्यार हुए और तुम शादी तक पहुंच गई? हाँ ये क्या कह रहे हो? मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या कहा प्यार? उस दिन मैंने मंदिर में एक बहुत खूबसूरत लड़की देखी और तभी ठान लिया कि उसे हासिल करना है, और मैंने बेवकूफ बनने की एक्टिंग की, फिर मैंने नकली दांत लगा लिए और उसे इम्प्रेस भी कर लिया मैंने। हाँ तो फिर मुझ पे लट्टू हो गई ना? क्या सोचा था तुमने मेरे बारे में? मुझसे प्यार करोगे, मुझसे शादी करोगे, मुझे अपना नौकर बना के रखोगे? अट्ठू अरे तुम कौन से जमाने में जी रहे हो? ये आज की जनरेशन है, यहाँ एक टाइम पे 20 लड़कियों को डेट करते हैं, उसमें से 10 फाइनल करते हैं और 10 में से 5 के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। हाँ शायद ये तुम्हारा पहली बार है, लेकिन इन सब का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं पुराना खिलाड़ी हूँ इसका। राजन वल्ला नाम मेरा सिर्फ तुम्हारे लिए है, लेकिन मेरे नाम लड़कियों के साथ चेंज होते रहते हैं। हर लड़की का मैं ख्वाब हूँ, लेकिन तेरे साथ हूँ। कहीं तुम मुझे राजा हरिश्चंद्र तो नहीं समझ रही हो ना? हाँ लेकिन मैं सदी का प्रेम चोपड़ा हूँ, प्रेम चोपड़ा। अरे अब किस बात के लिए रोना धोना चल रहा है? तुम्हारा काम तो हमारा हो गया ना। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, मैंने तुम पर भरोसे करके अच्छा नहीं किया। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तुम्हें क्यों मार रही हूँ? खुद को मारना चाहिए मुझे, मैंने गलती की है। क्यों भरोसा किया तुम पर? क्यों क्यों फंसाया मुझे? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बताओ क्यों किया? क्यों किया तुमने? छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाना। सपना दूर हो जा, हाथ मत लगा। सुनो मैंने जो कुछ भी कहा तुम्हें उकसाने के लिए कहा, मैं यही बताना चाहता था कि मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता और तुम्हें से ही शादी करूंगा, जीऊंगा मरूंगा सिर्फ तुम्हारे साथ। ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो,
रात को जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ उसे सेक्स नहीं कहते सपना, दैट्स नॉट सेक्स, वो हमारा प्यार है। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना कि ये सारी बातें मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरी फीलिंग्स को समझो। अब तुम्हारे बिना मैं जीना सोच भी नहीं सकता हूँ। आई लव यू, आई लव यू। तुम्हें नहीं लगता एक बार और प्यार करना चाहिए? मजाक। चलो ठीक है। अरे बाप रे। क्यों नींद खराब कर रही हो? उठो ना। क्या? चलो उठो। क्या चाहिए तुम्हें यहाँ? जल्दी उठो, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। कॉफी पी लो। चलो उठो। कॉफी नहीं, मुझे तो स्वीट चाहिए। कॉफी ठंडी हो रही है। ओहो, स्वीट के साथ कॉफी भी पीने वाली? उठ जाओ ना। अरे आज तो कॉलेज की छुट्टी है ना। छुट्टी मतलब तुम कॉलेज से एक्स्ट्रा लीव ले सकते हो, यही बोल रहा था। नहीं, मेरी कोई छुट्टी नहीं है। छोड़ो ना, देखो बेल बज रही है। बेल बज रही है, छोड़ो मुझे। जब देखो ये वॉचमैन बेल बजाते रहता है, लगता है हमारे काम वाली पे लाइन मार रहा है। मालकिन नमस्ते, आपके मम्मी पापा आपसे मिलने आए हैं। अरे भाई हो गया। मैं बाकी सामान देखता हूँ। अरे कुछ नहीं बेटी, तुम्हें देखने का मन किया तो हमने सुबह की फ्लाइट पकड़ कर चले आए यहाँ। हमने आने से पहले तुम्हें फोन किया लेकिन तुम्हारा क्या फोन बंद। मल्लवी कुछ बदली बदली सी लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। ओके। मेरे लिए भी कॉफी लाना। हाँ बेटी। एक मिनट पापा, आ रही हूँ, एक मिनट। क्या हुआ, क्या बोल रहा है वॉचमैन? मम्मी पापा आए हैं। उसके मम्मी पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे मम्मी पापा, जल्दी जाओ यहाँ से। मम्मी पापा, हे भगवान। ओह गॉड। अरे वो दाल वड़ा और उड़द वड़ा की शादी है। क्या बात कर रहा है, तू जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। पागल कहीं का। अरे चल हट। अरे जा, देख इज्जत से बात कर। एक्सक्यूज मी, तुमसे बात करनी है अकेले में। आई लव यू। तुमको मुझसे प्यार करना पड़ेगा। शाम को ग्राउंड में खेलता हूँ मैं। तुम्हारी दोस्त मुझसे कह रही थी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। जा सकती हो। अबे राजन आ रहा है, राजन। अकेले में कुछ बात करनी है। चल यार, चल चल। मैंने सुना कि तूने सुरुचि से कहा कि तू उससे प्यार करता है, ये सच है? सच है, मैं उसे प्यार करता हूँ। प्यार करना क्या गलत है? सुन, तू किसी और से प्यार करेगा इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बात जान ले, सुरुचि से अगर दोबारा बात की तो किसी से भी प्यार करने के लायक नहीं रहेगा, समझ गया ना? डरा धमका के प्यार नहीं किया करते, जो लोग सच्चा प्यार करते हैं उन्हें डराने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, याद रखना। हेलो, एक मिनट सुन। हाँ बोल। ये बता, तू मुझे डराने यहाँ आया है, तू क्या उसका लवर है? नहीं। भाई है क्या? नहीं। तो रिश्तेदार है? नहीं। फिर कौन है तू उसका, भगवान है क्या? उससे भी बड़ा। उससे भी बड़ा दोस्त हूँ उसका। ए, मुझे भी पेपर देना, मैं भी कॉपी करूंगा। ये ले, पुराना पेपर है, तू भी कॉपी कर ले। ये आंसर से एग्जाम में पास हो जाऊंगा ना भाई? एग्जाम में आंसर नहीं, क्वेश्चन आएंगे। हां समझ गया, समझ गया। यहां लव का मैटर डिस्कस हो रहा है, इसको एग्जाम की पड़ी है।
ए, इसको संभाल कर रख। हाँ। मेरे मम्मी पापा वापस चले गए। ऐसा क्या, तो मैं अभी आता हूँ। सुनो, तुम्हें एक बात बतानी थी। क्या है? पापा पूछ रहे थे कि मैं शादी कब करूँगी। क्या बोल रही हो, तुम्हारे पिताजी पूछ रहे कि शादी कब करोगी? अरे ये कोई शादी करने की उम्र है क्या? छी, जब देखो तब मजाक करते रहते हो तुम, कभी नहीं सुधरोगे ना। अच्छा सुनो, आई लव यू। आई लव यू टू। भाई काम कर। तुझे क्या अलग से बोलूं? मुझे डांटता क्यों रहता है तू? मैडम मैडम Get up. मैडम मेरी बात सुनिए, मैडम मेरी बात तो सुनिए, मैं फेल हो जाऊंगा मैडम, प्लीज ऐसा मत कीजिए। No excuses and no explanations. मैडम प्लीज, मैडम मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, प्लीज मैडम। ये सब बातें प्रिंसिपल से कहना। प्लीज मैडम एक बार माफ कर दीजिए। क्यों, तुमने किया वो गलत था ना, तो फिर अब माफी क्यों मांग रहे हो? क्या क्या गलती की मैंने? तुमने भी किया है। अपने से छोटे लड़के से प्यार करती हो, वो सब गलत नहीं है क्या? तुम जिससे प्यार करती हो वो राजन, तुम्हारा यार, इसी कॉलेज का स्टूडेंट है। लेक्चरर होकर कॉलेज स्टूडेंट से प्यार करती है, वो सब गलत नहीं है क्या? इतने दिनों से राजन वल्ला तुमको प्यार में बेवकूफ बना रहा, तुम उसको पकड़ नहीं पाई और चली आई मेरा करियर बर्बाद करने के लिए। शर्म नहीं आती छोटे स्टूडेंट से प्यार करते ए, हुए? डोंट स्क्रीम, यहाँ पे क्लास चल रही है। एक्सक्यूज मी। शिवाजी, द बॉस। सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखा जो मैंने तुझे तो दीवाना मैं हो गया, बाहों में ले ले मुझे तू, आ क्यों रूठी है पास आ जा। क्या बात है, मैं तो मूड बनाने की कोशिश कर रहा था और तुम्हारा मूड ऑफ है, आखिर मैटर क्या है? मैटर बताती हूँ, बैठ जाओ। ओ, क्या बात है, आज बहुत इज्जत मिल रही है मुझे। आ? आखिर बात क्या है? इज्जत नहीं मिलेगी क्या उम्र में इतने बड़े जो हो? इज्जत तो देनी ही पड़ेगी ना? उम्र में हाँ सही है, बड़े उम्र वालों को इज्जत तो मिलनी चाहिए ना। वो क्या है कि इतने दिनों से मुझे इज्जत मिल नहीं रही थी, इसीलिए थोड़ा डाउट है। तुम इस बात का टेंशन मत लो, आज मौसम बड़ा अच्छा है इसीलिए कमल का फूल लेके आया, और तुम होके रूठ के बैठी हो। इस फूल को मैं तुम्हारे बालों में लगा दूं? सॉरी, तुम्हारे सामने ये फीका लग रहा है, इसकी जरूरत नहीं। मुझे तो यही फूल चाहिए। हाथ मत लगाओ मुझे, धोखा दिया मुझे, धोखा दिया तुमने, क्यों किया ऐसा? क्या कर रही हो? कितने दिनों से मुझे धोखा दे रहे हो तुम, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? कैसा धोखा, क्या बात कर रही हो? मैं जिस कॉलेज में लेक्चरर हूँ तुम उसमें स्टूडेंट हो, मुझसे 3 साल छोटे हो, फिर भी तुमने मुझसे प्यार किया, मुझे धोखा दिया, क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्यों? सपना मेरी बात तो सुनो। हाथ मत लगाओ मुझे, अगर हाथ लगाया तो जान ले लूंगी। क्यों कहा मुझसे झूठ? लेकिन मेरी बताओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सारी बातें मैं तुम्हें बताने ही वाला था सपना, लेकिन तुम्हें पहले ही पता चल गया। कब बताते मुझे तुम ये सब? जब मुझसे शादी कर लेते तब? ना जाने अब तक तुमने कितनी लड़कियों को ऐसे उल्लू बनाया होगा। कितना चिल्लाओगी, हाँ? खुद को क्या समझती हो? जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तो मैं अपना भेष बदल कर मिला था, उसका सच मैंने ही तुम्हें बताया था ना। मुझसे मंदिर में मिलना, वो हुलिया बदलना, ये सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा था, क्योंकि तुम मुझे फंसा कर, मुझे बेवकूफ बना कर मुझसे शादी करना चाहते थे, है ना? मुझे क्या समझ रखा है तुमने? हाँ, तुम्हें पता भी है मुझ में और तुम में 3 साल का फर्क है। तो क्या हुआ, मैं अगर तुमसे छोटा हूँ तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? नहीं कर सकती मैं तुमसे शादी, मैं तुमसे 3 साल बड़ी हूँ। आखिर तुम बोलना क्या चाहती हो? आखिर बोलना क्या चाहती हो? समझ नहीं रहे, अगर एक लेक्चरर और स्टूडेंट ने शादी कर ली तो लोग बातें बनाएंगे, हमारा जीना हराम कर देंगे। तो क्या तुम दूसरों के लिए जियोगी, अपने लिए नहीं जियोगी? हाँ, अपने लिए जियूंगी, लेकिन मेरे जिंदगी जीने के कुछ उसूल हैं। मैं अपने से छोटे लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। तुम क्या कह रही हो, मैं जान दे दूँ क्या, या किसी बिल्डिंग से कूद कर खुदकुशी कर लूँ? जो करना है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्यार नहीं है, ये धोखा है।
मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरी बात समझो, मैं हमेशा सोचकर फैसला लेती हूँ, फैसला लेने के बाद नहीं सोचती। तुम पहले जिस रूप में थे वो दिखने में चाहे जैसा भी था पर दिल का सच्चा था, और इस रूप में तुम भले ही अच्छे दिखते हो, तुम्हारे पास पैसा है, गाड़ी है, लेकिन वैसा दिल नहीं है, एक सच्चा दिल जो उसके पास था। अब चले जाओ तुम यहाँ से, मुझे तो तुम्हारी शक्ल देखने से भी घिन आ रही है। शक्ल से तुम्हें घिन आ रही है? ठीक है, ठीक है, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हो? जा रहा हूं मैं। तुम उसे प्यार नहीं करती ना? आखिर तुमने बोल ही दिया। तुमसे 3 साल छोटा हुआ तो मेरी क्या गलती? अरे इसमें तो तुम्हारी गलती है ना, इतनी छोटी बात की इतनी बड़ी सजा दे रही हो। कहती है कि मैं छोटा हूं। हाँ, जापान में एक इंसान है जो 110 साल का है, जाकर उससे शादी कर लो, उम्र में सबसे बड़ा वही एक आदमी है। अरे जल्दी जाओ वरना मर जाएगा वो। हाँ, अरे जिंदगी में खुश रहो, खुश रहो। बोल रही है कि मैं छोटा हूँ, कितना छोटा हूँ? ए जरा बता मुझे, तेरे तेरे घुटने से भी छोटा हूँ क्या? बात करती है छोटा हूँ, बड़ी आई। इसी जगह मुझे आते वक्त ठोकर लगी थी, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि कोई गड़बड़ होगी। मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरी बात कान खोल के सुन ले। तुमने मुझे कह दिया ना कि मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे कभी देखना नहीं चाहती, तो एक बात सुन ले, मैं अभी मर्द का बच्चा हूँ, मेरा ये वादा है तुझसे, कभी भी वापस नहीं आऊंगा मैं। तुझे पता है मैं वापस आऊंगा, प्यार करता हूँ ना तुमसे, इसीलिए ऐसा कर रही हो तुम। अरे मैं ही पागल हूँ। ए, क्या कर रहा है जब से आया रेडियो में घुसा है? आज वैलेंटाइंस डे है ना, आज लवर्स लोग अपनी प्रेमिका को सॉन्ग डेडिकेट करेंगे। देखो ये भी लगा हुआ उसी चक्कर में। ए तू रुक जा, ए तू बता फोन लगा क्या? बोल। हेलो, आप कौन? हेलो, मैं सिब्बू बोल रहा हूँ। हाय सिब्बू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? क्या तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है? बताओगे मुझे? मैं नमिता नाम की लड़की से प्यार करता हूँ। क्या वो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती है? वो पढ़ती नहीं है, वो स्टूडियो में नाचती है। आजा राजकुमार, आजा राजकुमार। हाँ, उसके लिए ही मैं ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ, आप उसे सुना दीजिए ना। ओके, सुना देती हूँ, काम हो गया। बाय। क्यों बे, तूने फोन करके उसके लवर के बारे में बताया नहीं? बता तो सकता था लेकिन मैं डर गया। सही कहा, अगर उसके पति ने ये प्रोग्राम सुन लिया तो उसको चप्पल से मारेगा, इसीलिए तो डर गया भाई। प्यार करने वाला अगला कॉलर कौन है, चलिए सुनते हैं। हेलो, मैं वल्ला राजन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसका नाम है सुरुचि। वो मुझसे प्यार करती है नहीं ये जानने के लिए मैं किसी और लड़की से प्यार का नाटक कर रहा था, ये सब जानने के बाद भी वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझे अपना दोस्त ही मानती है, ये सब मैं उसे सामने से नहीं बता सकता, इसीलिए रेडियो के जरिए बताना चाहता हूँ। आई लव सुरुचि, हमारे प्यार के लिए कोई अच्छा सा गाना बजा दीजिए। देखो रे आ गया, खुद को भगवान से बड़ा मानता है, दोस्त बोलता है। क्यों रे, सुरुचि को ढूंढ रहा तू? उस दिन फुटबॉल ग्राउंड में तू बहुत डायलॉग मार रहा था, हा? अगर दम है तो यहाँ डायलॉग मार के बता, क्या सारा जोश खत्म हो गया? देख भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, तुझे गलतफहमी हुई है। चुप हो जा, तूने जो कहा था पूरे कॉलेज ने सुना था, बचपन से लव किया बोलता है। हाँ। सुरुचि और ये बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं। क्यों रे, जब वो माँ के पेट में थी तभी से।
गलत बोल रहा है तू, बहुत गलत बोल रहा है। मैंने ये सब नहीं कहा। ए, तूने ये सब नहीं कहा तो और क्या कहा? ए, देख कौन खड़ा है, तेरा फ्रेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, तेरा लवर, बहुत लव करता है तेरे से। रेडियो नहीं सुना? सुना होगा ना। ए, इधर आजा, आजा आजा, सामने बोल इसको। सुरुचि, सुरुचि, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ये सब झूठ है सुरुचि। ये जो बोल रहे हैं ना, ये सब झूठ है सुरुचि। इनकी बातों पे भरोसा मत करो सुरुचि। सुरुचि, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, तुम इनकी बातों पे बिल्कुल भरोसा मत करो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? हाँ बच्चे, दोस्त है ना, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। ये सब हमारे रिश्ते को बदनाम करना चाहते हैं सुरुचि। तुम इनकी बातों पे यकीन मत करो। ये हम दोनों को बदनाम करना चाहते हैं सुरुचि। ये हमारे दोस्ती को बदनाम करना चाहते हैं। तुम इनकी बातों पे यकीन नहीं करती ना? अरे ये मेरे दोस्त है, अच्छे दोस्त है, बाकी कुछ नहीं है। समझा करो सुरुचि। सुरुचि, ये सब झूठ है ना? सुरुचि बस करो अपना। सुरुचि, मैंने कहा चुप हो जाओ। सुरुचि, क्या एक्टिंग है, सुपर एक्टिंग है, बोले तो एकदम सुपरस्टार वाली एक्टिंग है। इसे देखकर क्या बोल रहा है तू? गाल लाल कर दूंगी तेरे। रेडियो पर कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं यकीन कर लूंगी। ये कौन है? ये मेरा अच्छा दोस्त है। लाइफ में बहुत सारे दोस्त होना जरूरी नहीं है, बस एक ही सच्चा दोस्त होना काफी है। और तुझे एक बात बताऊं, मेरी जिंदगी में वो दोस्त ये है। सिर्फ गले में हाथ डालकर घूमना ही दोस्ती नहीं है, जो बुरे वक्त में साथ दे वही दोस्ती है। और ये वही है, और इसके बारे में अगर कुछ उल्टा बोला ना तो तेरी खैर नहीं। तू चल। हेलो। अरे मैं शिबू बोल रहा हूँ। बोल। अरे वो सप्ताह का एक्सीडेंट हो गया यार। क्या कह रहा है? अरे तू कहाँ है, जल्दी से आ जा। कहाँ? अरे वो आरामनगर के पास। हेलो वल्ला, आरामनगर मत आना, उसे पास के सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल ले गए? हाँ। तुम वहीं रुको, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हेलो वल्ला, उसे हॉस्पिटल नहीं। हाँ बोलो। उसे घर लेकर के गए। क्या बोल रहा है? तू घर पे आ जा। अरे क्या बोल रहा है, क्या मजाक कर रहा है तू? हाँ यार सही कह रहा हूँ, घर पे लेकर गए। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है बे? तुझे अंदर किसने आने दिया? ए, वॉचमैन, ए, बोल रहा हूँ ना, चुपचाप जाए यहाँ से। सपना कहाँ है? सपना कहीं भी रहे, तुझसे क्या? सपना कहाँ है? बोला ना, वो कहीं भी रहे, तुझसे क्या? सपना कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ सपना कहाँ है? कॉलर छोड़, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि सपना कहाँ है, बता मुझे, बता सपना कहाँ है, बता। पहले सपना कहाँ छोड़, कॉलर छोड़, उसके बाद बात करूंगा, समझा? देखा सपना, तुम्हारी आज मंगनी है इसलिए यहाँ तमाशा कर रहा है। मंगनी? मैंने इसे बाहर जाने के लिए बोला तो कॉलर पकड़ लिया, सपना कर बोलो तो एक दू मैं इसे। अब क्या चाहिए तुम्हें, क्यों आए हो यहाँ, फिर से मुझे परेशान करने आए हो? नहीं, वो किसी ने कहा था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए मैं आया था। वो कितना झूठ बोलते हो तुम, इतने दिनों तक झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ बनाया, बात बात पर इस तरह से झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे पर
मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? सच में मुझे फोन आया था, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए भाग भाग के यहाँ आया। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो? यही मुझसे शादी करने वाले हैं। लंदन में जॉब करते हैं। मैंने बताया था ना, ही इज माई एक्स बॉयफ्रेंड। आज हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है। अब तुम चाहे जितना भी ड्रामा कर लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी था, मैंने इन्हें सब कुछ ऑलरेडी बता दिया है, और इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके विद हिम, ही इज अ जेंटलमैन। इन्हें भी मेरी तरह झूठ से नफरत है, तो इज्जत से यहाँ से चले जाओ। जस्ट गेट आउट। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम टॉकिंग टू हिम? ए भाई साहब, देख क्या रहे हैं, धक्का देकर बाहर निकालिए इसे। Hey, सुन लिया ना, अब चुपचाप जाएगा कि धक्का मार कर निकालूं? ठीक है, जा 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 आ जा, चल जा 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 जा, ठीक है ठीक है, जा रहा हूं भाई। हे कम, लेट्स गो। तूने फोन किया था ना? फोन? सपना का एक्सीडेंट हुआ है, ये तूने ही फोन पे कहा था ना मुझे? कभी हॉस्पिटल में है, कभी वो घर में है, ये वही कहा था ना? मैंने कहा फोन किया था यार। अरे तूने ही तो कहा था, देख मुझसे मजाक मत कर। तूने कहा था, तेरा फोन दिखा। मैंने कहा तेरा फोन दिखा। ए बोला छोड़ यार, क्या इसने फोन किया था यार? मारपीट करने से क्या मतलब, शांति से काम सब क्यों करेगा? मैंने फोन नहीं किया। इसी ने रेडियो में मेरे आवाज में बात की थी, और फोन पे भी इसी ने कहा कि सपना का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, इसी ने रेडियो में बात की थी। तो गड़बड़ है यार, सुबह से ये तो हमारे साथ ही था। ए वल्ला, ए वल्ला, ए वल्ला, ए ए वल्ला, सुन ना, चल वल्ला रहा तू। Evil. Amen. Good morning, students. You all are looking very nice in your new uniform. Hope you all like the change. From this uniform, we have incorporated the belt and the tie to make the boys look smarter. क्या है smart? नाक से सर्दी निकलती तो टाई से पूछते हैं. Now you may all go to your respective classrooms. Good morning, ma'am. Good morning. Angel. Yes, ma'am. Chandni. Yes, ma'am. Nitya. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Please come. Cultural activities का circular आया है. Oh, ये circular आ गया? Yes. कब से start होने वाला है? 22nd. Okay. Okay, ma'am. I'll inform the girls. Thank you. Hey, late क्यों आई? Cultural function आ रहा है ना? उसी में बहुत busy थी, इसलिए late हुआ. हाँ हाँ मालूम है, हमारे स्कूल में भी वो सर्कुलर आया है। लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ योर स्कूल वी लॉस्ट। इस साल तुम्हारे स्कूल के बच्चे कल्चरल फंक्शन में नहीं आने चाहिए। तू कल्चरल सेक्रेटरी है, मुझे मालूम नहीं है क्या? फिर कैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भेजूंगी? दिस ईयर यू गोना विन, द विक्ट्री इज योर्स, ओके? दैट्स माय सिस्टर। मैम मैम सुनिए ना, मैम मैम प्लीज मैम, प्लीज मैम, प्लीज मैम, प्लीज मैम। क्या है वो मैम? कल्चरल फंक्शन की परमिशन। पढ़कर मार्क्स लेने की अकल नहीं है तुम्हें? स्कूल शुरू हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, तुम्हें इतनी जल्दी कल्चरल के लिए भेज दूं? कोई कल्चरल में नहीं जाएगा, चुपचाप अपनी क्लास में जाओ। गेट आउट। ठीक है, ओके।
नहीं जाएंगे? अरे वहाँ कैसे नहीं जाएंगे यार, इतनी मस्त मस्त लड़कियाँ, मस्त मस्त फिगर। यार ये तो बोला ही था, हमारे बच्चे कितने सीधे साधे हैं ना, इसलिए तो। लेकिन वो किससे मिलेगी? हम लोग तो प्रिंसिपल के सिग्नेचर कर देंगे और सीधा कल्चर प्रोग्राम में जाएंगे। अरे चल चल, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं यार, क्या लड़की आई है। अरे बाप रे, सच कह रही है ये, क्या यार से नहीं जानते। ओवर एक्टिंग मत कर। ये हमारा यूथ है यार, यूथ को छोड़, उसकी असली खूबसूरती देख। अरे भाई तो मैं देख रहा हूँ। बाय बाय बाय। अरे आ रही है, इस तरफ ही आ रही है, इस तरफ ही आ रही। टक्कर मार दे, टक्कर मार दे, एक बार टक्कर। धक्का मारा तो सॉरी नहीं बोल सकते? मार के सॉरी बोल सकते क्या? तो मैं भी मारता हूँ, ये ले लो, मैं आया। क्या मारती है बाप, वल्ला बहुत हॉट है ये तो। अरे सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के आपको धक्का नहीं मारा। वहाँ एक लड़की को मैंने जानबूझ के धक्का मारा था, लेकिन मैंने आपको जानबूझ के धक्का नहीं मारा। वो क्या है कि मैं भागते भागते आ रहा था तो आपको अचानक से धक्का लग गया। हेलो, अरे आंखें तो खोलो। हे, अरे इसने तो आंखें खोल दी, देख इसकी आंखें कितनी अच्छी हैं। बल्ला क्या सुपर फिगर को तूने धक्का मारा यार, जिसमें तूने हाफ सेंचुरी बना दी। कांग्रेचुलेशन तेरी हाफ सेंचुरी के लिए। थैंक यू, आई एम सो सॉरी। ये तो बहुत डेंजरस लगती है भाई, मैं निकलता हूँ। मुझे धक्का मारा, इसके बाद अगर किसी लड़की को धक्का दिया तो चीर डालूंगी, याद रख। वल्ला पीछे नहीं। हाँ, मैं तेरे सामने हूँ। बहुत जोर का मारा क्या उसने? हाँ, अब गुलाब के फूल से खेलोगे तो कांटा तो चुभेगा। अरे क्या डायलॉग मारा, एक नंबर। तू डायलॉग मार, चल। तू कमाल है यार, कमाल। सच कह रहा हूँ यार, जब लड़कियाँ डांस करती है ना तो उनको देखने का मजा ही कुछ और है। लगता है कि देखते जाओ देखते जाओ। उधर देख, ओ तेरी। अच्छा ये मजे लेंगे, तेरी तो नीचे नीचे नीचे। इतना छोटा होकर लड़कियों को कपड़े चेंज करते हुए देखता है, तेरे को ना हम एक गुड़िया ला कर देंगे, तू उसके साथ खेलना ठीक है? चड्डी पहनी है तूने? चल भाग। सॉरी, क्या हो रहा है यहाँ पे? ए, आंखें नहीं है तेरी, कैसे चल रही है, देख के नहीं चल सकते क्या? क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? वो लड़की नहीं है, झांसी की रानी है। अगर एक थप्पड़ मारेगी ना तो तेरा काला चेहरा पूरा लाल हो जाएगा। वो लड़की नहीं, लड़का है। चल निकल यहाँ से, निकलने में ही भलाई है। देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, जब भी मुझे कोई कुछ देता है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसे वो लौटा दो। बस लौटा दिया, ओके बाय बाय बाय। अरे नहीं नहीं, इसे गलत मत समझना, जब भी मैं किसी को कुछ लौटाता हूँ तो उसे सूद समेत लौटाता हूँ। वैसे कुछ बताना है तुम्हें, इससे पहले भी मैंने लड़कियों को धक्का मारा लेकिन कभी मुझे ऐसा जवाब नहीं मिला। तुम्हारे जवाब के बदले मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मुझे बहुत अच्छा लगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज अगर तू सच में मर्द का बच्चा है तो उधर जीत के बता। मेरी बात सुनो,
तुमने मुझे मारा, मैंने उसके बदले तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा मारा, उसके बदले तुम मुझे मार लो। अब ये क्या है कि तुम ये जीत के बताओ, वो जीत के बताओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। अरे हम यहाँ पार्टिसिपेट करने नहीं आए, हम तो यहाँ घूमने आए हैं, मजे करने आए हैं, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे मजा करेंगे घर पे जाएंगे। और तुम कहाँ बीच में चैलेंज लेकर आ गए? बिना मतलब की बात मत कर, तू खुद को बहुत स्मार्ट समझता है ना? तू सिर्फ एक बार मुझे एक इवेंट में हरा के दिखा, तब मैं तुझे मानूंगी कि वाकई में तू सच्चा मर्द है। ए सुन, तुझे अपने मर्दानगी का सबूत देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ मजे करने आया हूँ और तू है कि मेरा मूड ऑफ कर रही है। अरे माता जी मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। तो मान ले कि तू डरपोक है। आज यहाँ इसी स्टेज पे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, ये जरूरी है क्योंकि तूने मेरी मर्दानगी को ललकारा है। Results for Indian music. मजा आ गया। Third prize goes to Ashram Higher Secondary School. Second prize goes to Bevaldi Girls Higher Secondary School. And finally, the winner of the game, which all of you are eagerly waiting to hear, is none other than Saint Mary's Secondary School. Give them a big hand. Hey, सुनो, क्या देख रही हो? अब तुम्हारी समझ में आ गया ना कि मैं कौन हूँ? कुछ समय पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब और कुछ बाकी है साबित करने के लिए। कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मेरी इस जीत के पीछे किसी और का हाथ नहीं, तुम्हारा हाथ है। उस वक्त तुमने अगर मुझे उकसाया नहीं होता तो इस तरह से मैं गाना नहीं गाता। ये ट्रॉफी मेरी नहीं है, ये तुम्हारी है। अरे तुम्हारा थप्पड़ तो मैं कब का भूल गया, वैसे भी गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें मारा। लड़कियों पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, उसके लिए आई एम सॉरी। बाय। भैया मुझे दो ना। कितना अच्छा है ना? बहुत मजा आया। चलो ना, चलो ना। गीता क्या करी है? Come on, गीता। कहाँ है तुम्हारी बुक? बुक कहाँ है तुम्हारी? स्कूल में आते वक्त बुक लानी चाहिए थी ना? हाँ, बिना बुक लिए ही आ गए? हाँ, बदमाश कहीं का? चल खड़ा हो जाए यहाँ पर। हाँ, ए चल तू खड़ा हो। ए ये जो तीनों यहाँ बैठते हैं वो लोग कहाँ हैं? उनकी छुट्टी है मैडम। छुट्टी है? पढ़ना लिखना कुछ नहीं, बस छुट्टी चाहिए। ए, उधर देख ना, मेरी वाली आ रही है। वो तेरी वाली आइटम नहीं, मेरी वाली आइटम है, उस पर नजर नहीं डालेगा। बाकी का डील क्या तू करेगा? उधर देख, उधर देख। मेरी गीता कहाँ है? तेरी गीता को ढूंढने को तो हम आए हैं यहाँ पर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, यू आर गीता? मे आई कम इन? या प्लीज कम। हाँ बैठो, वहाँ बैठो। थैंक यू। प्रिंसिपल की सिस्टर है। ये यहाँ क्यों आई है? तो उधर क्या लिख रहा है? पढ़। The secondary functions of the all the shares purchased by the market. वाला, वाला। अबे ज़्यादा ज़ोर के मत बोल। अरे क्या? Sorry, sorry, ज़्यादा टेंशन मत ले, हम हैं ना यहाँ पर। पेपर है क्या? हाँ है, ये ले। क्या है ये? खाली पेपर है? मैंने सोचा था लव लेटर है, कुछ लिख कर तो देते। अच्छा, तुझको भी लव लेटर चाहिए? अपनी शक्ल देखी कभी आईने में? ए, कौन है जो तुमको यहाँ एडमिशन देता है और तुमको यूनिफॉर्म दिलवाता है? तू एक काम कर, जाकर गीता को बुला के ले आ। वॉचमैन, कल कल मिलते हैं। अबे यार लगता है आज गीता स्कूल में आई नहीं, उसको हम कल मिल लेंगे। हमने कॉमर्स टीचर की क्लास बंक करी है, तू देख लेना वो हम तीनों की चमड़ी उधेड़ डालेगी। हाँ। अपनी बकबक बंद करो और सुरुचि को लेके। पहले मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा पहले। तू मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा।
तुम यहाँ हमारे स्कूल में इस वक्त क्या कर रही हो? मैं इस स्कूल में अभी अभी नहीं आई हूँ। ऐसे अचानक क्यों? वो तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। ओके, मत बताओ। तुमने आज स्कूल बंक किया? और मुझे भी तुम्हें ये बात बताना जरूरी नहीं है। सही कहा ना मैंने? मैं बताऊंगा। गीता को ढूंढते हुए उसके स्कूल गए थे, लेकिन वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ चली आई। अबे अगली बार मैं पहले बताऊंगा। हम जो कहना चाहते थे उसने खुद ही बता दिया। ए चुप कर, तेरे दांतों में कीड़ा भरा हुआ है। ए वल्ला सुन, आज ही अपने लव के बारे में बोल दे, कल तेरी शादी हो जाएगी, परसों तेरे बच्चे हो जाएंगे। बिल्कुल देर मत कर, अब उसको बोल ही दे। तेरे को घर में कुछ काम याद आ गया? काम याद आ गया मेरे लिए? एक सीढ़ी उतरना 100 सीढ़ियां उतरने के बराबर है। वल्ला सुरुचि पढ़ाई कर रही है, तुझे वेट करने के लिए बोला है, लेकिन तेरी फिगर नहीं। तुम जिसलिए मुझे ढूंढते हुए मेरे स्कूल गए थे, मैं भी उसी वजह से तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे स्कूल आई हूँ। गीता मेरी बात सुनो। गीता हेलो, बैटरी थोड़ी लो है, मैं लैंडलाइन से बात करता हूँ, ठीक है? हेलो, बोलो। अब हम दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं तो फोन चार्ज करके रखना चाहिए था ना। अब ये बातें मुझे ही बतानी पड़ेगी। का टाइम हो गया, चल चलते हैं। हेलो हेलो गीता, मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं, मैं ट्यूशन जाके आता हूँ। ट्यूशन से आने में मुझे 1-2 घंटा लगेगा। हाँ, आने के बाद तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके ओके बाय। ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता। मुझे भी नहीं आता यार, बल्ला से पूछते हैं ना। हे बल्ला। हेलो, बोलो। गीता मुझे ट्यूशन के लिए जाना है, देर हो रही है, प्लीज। ट्यूशन से आने के बाद मैं बात करता हूँ, बाय। हाँ ठीक है। ये वाला यार, अरे नहीं आता है, मुझे बोला मैं। हेलो, बोलो। गीता मैंने तुमसे कहा कि मैं आने के बाद फोन करता हूँ। तुम जो बोल रहे हो वो मुझे नहीं सुनना है, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। मैंने कहा आने के बाद फोन करता हूँ, प्लीज। फिर मुझसे कभी बात मत करना। लेट हो रहा है, जल्दी करना। बल्ला चलना। हेलो, अभी बात कर सकते हो या नहीं? नहीं कर सकता। दो मिनट में आता हूँ। हाँ ठीक है। मैडम खाना खा लो। मैडम 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 खाना रेडी है। मैडम मैडम मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लाइट बंद करके चली जा।
गीता मुझे माफ कर दो गीता। गीता मैंने ये जानबूझ के नहीं किया गीता, वो गलती से हो गया। मैं उसके लिए माफी मांग रहा हूँ ना। आई एम वेरी सॉरी गीता, अब अगली बार नहीं होगा। गीता प्लीज, गीता मैं कह रहा हूँ ना, गीता प्लीज मेरी बात मानो। गीता प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज गीता प्लीज। गीता अरे जा। मैं तुमसे क्यों बात करूं? रात से लेकर सुबह तक मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी। मैं तुमसे बात करना चाहती थी पर तुम नहीं। जब तुम चाहोगे तब मैं तुमसे बात करूं। मैं नहीं करूंगी। गीता मैंने कहा ना मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो प्लीज। अभी छोटी सी गलती के लिए मुझसे बात नहीं करोगी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ गीता, प्लीज। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी गलती की सजा क्या है बताओ। अभी तुमने जो कहा ना, अभी जो तुमने कहा ना, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, बताती हूँ तुम्हें क्या करना है, बताती हूँ। रोज सुबह उठते ही तुम मुझे फोन करोगे और बताओगे कि मैं उठ गया हूँ, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो ना। घर से स्कूल तक आने तक एक छोटा सा गैप मिलता है, उस गैप में तुम्हें मुझे याद करना होगा क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो ना। टीचर के क्लास लेते वक्त क्लास पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ मुझे देखते रहना है क्योंकि मुझसे प्यार करते हो ना। स्कूल छूटने के बाद सब लोग अपने अपने घर जाएंगे पर तुम नहीं जाओगे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे क्योंकि तुम प्यार करते हो ना। रात को सोने के बजाय मुझे फोन करोगे। सपोज हम दोनों सो गए तो सपना भी सिर्फ तुम मेरा ही देखोगे क्योंकि तुम प्यार करते हो ना। हाँ प्यार करते हो ना, प्यार करते हो ना। हाँ करता हूँ गीता। करने का ए सुन, मुझसे प्यार करने वाला लड़का मेरे लिए मेरी जूती के बराबर है। मैं जब चाहूँ तुझे मसल सकती हूँ, कुचल सकती हूँ, जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तू मेरे लिए जूती है, इससे ज्यादा तेरी औकात नहीं। अब क्या देख रहा है? हाँ प्यार करते हो ना, जल्दी से वो जूती उठाकर मुझे पहनाओ। चलो 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 पहनाओ। बहुत प्यार करते हो, मेरी शोनो। जा। अरे खाना बहुत पतला हो गया है। अरे रुक जा यार। वल्ला हाँ? ओहो पूरा लव का टाइम टेबल ही यहाँ पर आ गया। टाइम टेबल नहीं, टाइम बम बोली से। क्या हुआ गीता, क्या देख रही हो? देख रही हूँ मेरे नाम का टैटू है या नहीं। क्या कहा, तुम्हारे नाम का टैटू? हाँ अगर किसी से प्यार करते हो तो उसके नाम का टैटू बनवाते हैं, ऐसा सुना था मैंने, वही देख रही थी।
वल्ला क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? ए तू जल्दी जा और फर्स्ट एड लेकर आ, जल्दी जा। प्यार, प्यार करते हो थोड़ा सा, थोड़ा सा। गीता, गीता क्या हुआ? क्या हुआ गीता? डांस रिहर्सल कर रही थी तो उल्टियाँ हो रही है। अरे तो यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर बैठो। नहीं नहीं नहीं, पहले से क्लीन करते हैं, क्लीन करने के लिए आया भी नहीं है कोई पैर। अरे ये सब तो क्लीन हो जाएगा, तुम अंदर जाओ, जाओ चलो। नहीं तुम कैसे? अरे मेरा... ये मैं क्लीन कर लूंगा, तुम अंदर जाके रेस्ट करो, जाओ। मैंने बोला ना जाओ प्लीज। वो गीता ने ओमेट किया था, वो साफ कर रहा हूँ मैं। ये उसने नहीं, मैंने किया है। क्लीन करने के लिए कोई नहीं आया इसलिए मैं गीता को यहाँ खड़ी करके गई थी, उसने तुमसे झूठ कहा। अरे जा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी गलती की सजा क्या है बताओ। हर एक स्टूडेंट के पास जाकर कहो कि मैं गीता से प्यार करता हूँ। आई लव गीता, मैं गीता से प्यार करता हूँ। तुम क्यों कर रहे हो, मैं करती हूँ। अगर मेरी छोटी बहन ने किया होता तो मैं साफ नहीं करता इसे, वही कर रहा हूँ मैं। तुम इस पे पानी डाल दो, रखो यहाँ पर। 1 2 3 4 स्टॉप करो। ओके गर्ल्स, सी यू टुमारो, बाय। क्या हुआ? किसी दूसरे का वोमेट है तो क्या हुआ? बताया तो मैंने ही था ना, कल हमारी शादी होने के बाद, मेरे प्रेग्नेंट होने के बाद, समझ लो मैंने उल्टी कर दी। तब तुम साफ करोगे या नहीं ये समझना बहुत जरूरी है ना, इसलिए मैंने तुमसे कहा। तो तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती रहोगी? क्यों किया ऐसा तुमने? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उस रात तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं ये भी मैं चेक कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद चेक नहीं करूंगी, क्योंकि अब तुम मुझसे सवाल पूछने लगे हो जो मुझे पसंद नहीं। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, हमारा रिश्ता खत्म हो गया, चलो जाओ। गीता, गीता अगर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ तो तुम मुझसे ऐसे काम करवाओगी? जो कुछ भी करवा रही हो गलत है गीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसकी ऐसी सजा मत दो गीता। एक बार जूती का मार खाया था भूल गए, दोबारा खाना चाहते हो? इज्जत से यहाँ से निकल जाओ। गीता प्लीज, गीता मेरे साथ ऐसा मत करो। अरे गीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ गीता, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज गीता, प्लीज गीता मेरी बात मान लो, मेरा हाथ छोड़ो, प्यार करता हूँ। छोड़ो खाना। गीता चाहे जितना तो मुझे मार लो मगर मुझसे नफरत मत करो प्लीज। गीता प्लीज, गीता हाथ पकड़ने से प्यार करूंगी। गीता क्या सच में ऐसा लगता है? तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं करती। गीता, गीता प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। गीता, गीता मेरे साथ ऐसा मत करो। गीता मैं मर जाऊंगा। गीता, गीता मैं मर जाऊंगा। गीता मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। गीता छोड़ो। गीता प्लीज, गीता छोड़ो। आई लव यू गीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। छोड़ो प्लीज गीता, मेरी बात समझो। गीता मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। गीता मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, मैं मर जाऊंगा। गीता मुझे मत मारो। किस बात की सजा दे रही हो तुम? मैंने क्या गलती कर ली इसे? हे भगवान, गीता प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। गीता प्लीज, गीता गीता प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ देता हूँ। गीता प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ।
गीता, गीता तुम्हें क्या हो गया गीता? क्यों ऐसा कर रही हो गीता मेरे साथ? गीता क्यों कर रही हो ऐसा? किस बात की सजा दे रही हो मुझे गीता? तुम छोड़ रहे हो या नहीं? ए! हाँ? वहां क्या ढूंढ रही है मुझे? याद है कि हाँ मैं यहाँ हूँ। बाजी पलट गई है, मेरा दिमाग घूम गया है। तुझे क्या लगा कि तेरे पैर पकड़कर भीख ही मांगता रहूंगा? अरे तू क्या छोड़ेगी मुझे? मैं छोड़ता हूँ तुझे, छोड़ दिया तुझे। ये तू क्या कह रहा है? मैं मजाक कर रही थी तुमसे, प्यार नहीं करती, झूठ कहा था। अच्छा ऐसे ही? हाँ, लेकिन मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बोलो ना। मुझसे प्यार करते हो? मुझसे प्यार करते हो? यही पूछते रहती थी ना तुम, मुझसे प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हो, और मैं यही कहते रहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, है ना? और यकीन दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी तुम्हें डाउट है? आखिर कितनी बार पूछोगी मुझसे प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हो? तो डाउट क्लियर ही कर देता हूँ कि तुमसे प्यार करने वाला इस दुनिया में अब कोई नहीं है। तब मैं तुमसे जरूर प्यार करता था, और इस दुनिया में एक अकेला इंसान था जो तुमसे प्यार करता था। इसके बदले में तुमने जो मुझे जख्म दिए है उनको भरने में तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अगर कोई प्यार करे तो उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि उस पे डाउट करके उसको टॉर्चर पे टॉर्चर करना चाहिए। ये प्यार नहीं है। और उस दिन क्या कहा था कि मुझसे प्यार करने वाला मेरी जूती के बराबर है, यही कहा था ना तुमने मुझसे? मैं जूती के बराबर हूँ? बोल ना, जूती के बराबर हो? ए बोल, बोल ना। अगर नहीं बोलेगी तो तेरी मैं देखो देखो मुझसे भूल हो गई। मैंने जो भी किया वो सब गलत किया। अब तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, वो मैं सब करूंगी। ओ ऐसा क्या? जो बोलूंगा वो करोगी? हे, अगर मुझे तुमसे बदला ही लेना है तो उसके लिए मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। और अगर मैंने ऐसा किया तो तुम में और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा? एक्चुअली तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया। इधर आओ। क्या क्या है? सुबह सुबह जब मैं नींद से उठूंगा तो मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। स्कूल में आने से पहले वो जो छोटा सा गैप रहता है ना, उस गैप में मैं तुम्हें याद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। अपने क्लास में जब टीचर कुछ पढ़ा रही होगी ना तो मैं उस पे ध्यान जरूर दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। स्कूल छूटते ही मैं घर चला जाऊंगा, तुम्हारे साथ समय बिल्कुल नहीं बिताऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना। लेट नाइट तुमसे बात भी नहीं करूंगा, अच्छे से खाना खाकर खराटे मारकर सो जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। अगर गलती से भी तुम रात में मेरे सपने में आ गई तो मैं झट से उठ जाऊंगा, क्योंकि सपने में भी मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचना चाहता, क्योंकि मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ ना, तुमसे प्यार करता हूँ मैं। ए, चलो मैंने मान लिया कि मैं अपने प्यार में फेल हो गया। प्यार में फेल होने वाला इंसान क्या करता है? प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है, जिंदगी बर्बाद होती है, बहुत सारी बातें करता है। लेकिन मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि प्यार करना कोई गलत काम नहीं है, बल्कि किससे करते हो वो देखना चाहिए। और तुमसे प्यार करके ही गलती की। तुम्हें क्या लगा कि मैं देवदास बन जाऊंगा? बार में बैठूंगा, पीता रहूंगा, दाढ़ी बढ़ा के रोड पे पागलों की तरह घूमता रहूंगा, और रोड पे से पुलिस मुझे उठा लेगी और मुझे छुड़ाने के लिए मेरे माँ बाप पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहेंगे, यही सोचा तुमने? अरे थो, शेर हूँ मैं, मेरी बात कान खोल के सुन ले। तो जिंदगी में ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन जरूरी ये है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए आखिरी दम तक जगह होनी चाहिए। मेरे दिल में जगह रहेगी, और आज मैं तुझसे ये वादा करता हूँ कि तुझसे ज्यादा सुंदर, तुझसे ज्यादा अच्छी और तुझसे ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मैं ढूंढ ही लूंगा, और ऊपर वाला उस लड़की को मुझसे मिलवाएगा। और अगर जैसा कहा वैसा नहीं कर पाया तो फिर नाम बदल देना। क्या देख रही हो? लेफ्ट में मारूंगा तो राइट में चली जाएगी, समझ गई ना? ए! तू किसे छोड़कर जा रहा है तुझे पता है? किसे? गीता। चल जा।
है क्या? अभी दिल में बहुत दर्द हो रहा है क्या? अंदर जलन हो रही है? अब तू समझ रहा होगा उस वक्त मुझे कैसा लगा। तू मुझे ठुकरा कर गया था ना? आज देख उसने तुझे ठुकराया। इतने दिनों से मैं दिखी नहीं और अचानक सामने आकर खड़ी हो गई, यही सोच रहा है ना? मैं तुमसे प्यार करती थी लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। ठीक उसी तरह तू जिसे प्यार करता है वो भी तुझे ठुकराए। इस दिन का मैं वेट कर रही थी। मैं ही तुम्हारा प्यार तोड़ना चाहती थी लेकिन उसने तुम छोटे हो कहकर तुम्हें ठुकराया। एक्चुअली मुझे उसे थैंक्स कहना चाहिए। रेडियो पर तुम्हारी आवाज में बोली, एक्सीडेंट हुआ कहकर तुम्हें बहुत घुमाया और ये सब कुछ किया मैंने। उस ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए एक लड़की बनाई है और उसके साथ तू खुश रहेगा, इसका तुझे बहुत घमंड था ना? अब क्या हुआ रे, लगा गई वो चूना? तुम्हारे लिए सिर्फ मैं बनी हूँ और मेरे लिए सिर्फ तुम। ये बात ऊपर वाला भी नहीं बदल सकता। क्या बोला था तुमने, लेफ्ट में मारूंगा तो राइट में जाके गिरेगी? अब क्या हुआ? तीन साल के बाद एंट्री हुई और सुना के चली गई। तू क्यों चुपचाप खड़ा है रे? मैं होता तो थप्पड़ मार देता। ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ट्रैश बैग जाने बिना कुछ मत बोल भाई, तू उससे हार नहीं सकता। सपना दूसरे से शादी करेगी तो ही हारोगे ना? वो किससे शादी करती है मैं देखती हूँ। कहाँ है वो? सुरुचि वो देखो उस तरफ है, चलो मेरे साथ। तुम लोग यही रुको। सपना मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। यहाँ सब लोगों को सब कुछ पता है, सो जो कुछ कहना है यहीं कहो। सपना तुमने जो किया वो बहुत गलत किया। वो तुमसे बहुत प्यार करता है इसलिए उसने तुमसे झूठ कहा, लेकिन उसे छोड़ देना ये इंसाफ नहीं है। तुम उसे अपनाओगी नहीं इस डर से उसने ऐसा किया था। वो तुम्हें फंसाना नहीं चाहता था। उसने मुझे फंसाया ये बात तुम्हारे लिए छोटी होगी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है। अब कुछ नहीं हो सकता तो इन सब बातों का क्या फायदा? मेरी मंगनी हो चुकी है और जल्दी शादी होने वाली है। अब तुम मेरा फैसला बदल नहीं सकती तो मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ। मैं जो कह रही हूँ प्लीज उसे समझो। देखो सुरुचि मुझे तुमसे कोई बात नहीं। बिना मतलब का क्यों बोले जा रही हो? इसने क्या बोला सुना नहीं? ए, तू क्यों बीच में उठ के बोल रहा है? ये दो लोग बात कर रहे हैं। ज्यादा मत बोल, बैठ जा। एक बालों में डाई लगाई है, लगता है आप ही दूल्हा बनने वाले हो। बाजू में चिपक के बैठा है ना, यही होगा दूल्हा। हेलो, मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। ऐसा है क्या? क्यों बहन जी, शादी शुदा से शादी हो सकती है तो अपने से छोटी उम्र से शादी क्यों नहीं हो सकती? बीवी सामने बैठी है वो नहीं है क्या? ये तेरी बीवी है लेकिन वो तो किसी और के बाजू में बैठी है। हो क्या रहा भाई लोग? ये क्या लो क्लास वालों से बात कर रहे हो? इन घटिया लोगों को अंदर किसने आने दिया? ए चश्मिश उठ के बाहर जाए से। ए मैं हूँ दूल्हा, बोलो क्या बात है? हेलो माय डियर फ्रेंड, ये लड़की मेरे दोस्त से सीरियसली प्यार करती है, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तू फायदा मत उठा इन दोनों के गैप का, तू इन दोनों के बीच में कबाब की हड्डी बन रहा है। तू एक काम कर, लंदन निकल ले। इनके प्यार के बारे में जानते हुए भी मैं शादी कर रहा हूं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है, देख ऐसे ऐसे ऐसे। अब तो बात को समझ। तुम्हारी सारी बातें जानते हुए भी मैं शादी करूंगा। ए लगता है इसको सेकंड हैंड माल खरीदने का शौक है। ओए बारात के बिन बुलाए बाराती, शादी मेरा दोस्त ही करेगा, इससे लगता है थर्ड डिग्री इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर हूँ, सब लोग भूल गए हो क्या? शायद तुम लोगों को नहीं पता मुझे कुंग फू शुंग फू सब आता है। ये देख और बैठ जा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, उसे छोड़कर इससे शादी कर रही हो, पता है? वो इससे बहुत प्यार करता है। क्या रे बैठ। ए लो क्लास क्यों परेशान कर रहा है? चुप हो जा वरना मुंह तोड़ दूंगा। ए ये तो बरसाती मैडम की तरह बस टर टर कर रहा है, इसमें दम नहीं है। कोई जूस ना पीने इसलिए उसके सामने खड़ा है। इसे कोई नहीं रहेगा, तू इधर आ। अरे शाबाश निकल। मेहरबानी करके चुप हो जाओ सब लोग प्लीज। मैंने कह दिया कि मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना तो क्यों मुझे परेशान करने चले आए? इज्जत से यहाँ से चले जाओ प्लीज। मेरी बात सुनो सपना, तुम जो कर रही हो वो गलत है ये बताने के लिए मैं आई हूँ, झगड़ा करने के लिए नहीं। एनीवे यहाँ जो भी हुआ आई एम रियली सॉरी, चलो। ए, एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरे लिए वो जान भी दे सकता है और ये अपना बाल भी नहीं देने वाला। तुझे तेरा हाई क्लास मुबारक हो, वो दिल का राजा है। बाय। जूस पी ले अब तू जा। है कभी हमारे एरिया में आना। एक क्यों परेशान होता है यार, तेरी किस्मत में उससे शादी करना नहीं है, छोड़ उसे। अरे तू उससे सिर्फ 3 साल छोटा है और वो इतना भाव खा रही है। मुझे तो लग रहा है वो बहाना कर रही है, उसे इसका कोई दुख नहीं है। उसे जो चप्पल चाहिए थी वही चप्पल मैंने उसे चुरा कर दी, वही देख के उसने प्यार किया।
उसके लिए चप्पल चोरी करना मेरे लिए बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं उम्र में उससे 3 साल ही छोटा हूँ, ये मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, उन्हें क्या पसंद है क्या चाहिए ये तो भगवान भी नहीं बता सकते, तो हम कैसे बता सकते हैं। वो कहीं भी रहे बस खुश रहे, मैं यही चाहता हूँ। तैयारी हो गई ना, चल दे दे अब। ओके एए, अरे यार तू अभी तक लगा हुआ है, इतनी मेहनत कहीं और करता ना तो अभी तक कुआं खुद जाता। अब चलो भी। कहां कुआं खोदना है? अरे गाड़ी में बैठो। तू ध्यान मत दे यार, ये हम लोगों से जलता है। सपना टाइम हो गया, जल्दी चलो। हे वल्ला बहुत गुस्से में आ रहा है, अब हम क्या करें? कैसे अंदर आया वो? दरवाजा बंद करो पहले। कल तुम्हारी शादी है, वो कोई ना कोई लफड़ा जरूर करेगा, पहले तो इसको देना चाहिए। मैंने पहले बोला था कि हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन तुमने माना ही नहीं। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पे, आने दो उसे, यहीं पे उसकी छुट्टी नहीं कर दिया तो नाम नहीं मेरा। फिर दरवाजा क्यों बंद किया? तेरी तो मुझे क्यों मार रहा है? हिम्मत है तो उसे मार के देखा। सपना दरवाजा खोलो। सपना मैं यहाँ तुमसे झगड़ा करने नहीं आया हूँ, ना ही मैं तुमसे कुछ झूठ बोलने आया हूँ। सपना प्लीज, सपना दरवाजा खोलो। सपना प्लीज। सपना यहाँ कोई दरवाजा नहीं खोलेगा तेरे लिए, तू जाए यहाँ से, समझ में नहीं आता है क्या? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, क्या लेने आए हो तुम? पल्लवी मुझे तुमको देखना है, आखिरी बार देखना है, दरवाजा खोलो प्लीज। मुझे तुम्हें ना ही देखना है और ना ही कोई बात करनी है। जब तक मैं तुम्हें नहीं देखूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्यों ऐसे परेशान कर रहे हो मुझे? मुझसे ही गलती हो गई, पीछा क्यों नहीं छोड़ देते मेरा? पल्लवी मुझे तुम्हें एक बार देखना है फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मेरी बात का यकीन करो। सिर्फ यही बात है ना, अगर एक बार मेरा चेहरा देख लोगे तो चले जाओगे ना यहाँ से। सपना क्या कर रही हो? सपना ये लो देखो। कल तुम्हारी शादी है, तुम्हें तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ आया। अब मैं जाता हूँ, तुम खुश रहना। ए, क्या ये सब भेष बदल के पुरानी एक्टिंग में आ गया क्या? तुम्हें एक्टिंग लग रही है सपना? सपना ये एक्टिंग लग रही है तुम्हें? ये सच है कि तुमसे उम्र में 3 साल छोटा हूं मैं, लेकिन दिल से बहुत बड़ा हूं, बहुत बड़ा हूं मैं। अरे बहुत बड़ा हूं दिल से। तुमने सिर्फ उम्र देखी है, दिल नहीं देखा है मेरा तुमने। ये जो कुछ भी मैंने किया है बस तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। मैं जा रहा हूं लेकिन ये चेहरा झूठ बोल रहा है, ये आंसू ये फीलिंग सब एक्टिंग लग रही है तुम्हें। ठीक है ठीक है ठीक है, चला जाऊंगा मैं, चला जाऊंगा, लौट के नहीं आऊंगा। तुम खुश रहना, तुम्हें पागल लग रहा हूं ना मैं? पागल हो गया हूं तुम्हारे प्यार में, खुश रहना तुम, जा रहा हूं मैं। उम्र की बात करती हो, बहुत 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 बड़ी हो तुम मुझसे, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। ढूंढते रहना, फिर ढूंढते रहना मुझे, नहीं वापस आऊंगा मैं। भूल जाना हमारी सारी यादें, भूल जाना, याद मत करना, बहुत तकलीफ होगी। तो ठीक है मैं जाता हूं, मैं अकेला जी लूंगा, जा रहा हूं, बाय। Yeah.
गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरे लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। मुझे माफ कर दो प्लीज। कल उसकी शादी है, उसके बाद मेरी और उसकी शादी, सो वो मेरा है। तुम सिर्फ मेरे हो। वो मेरा है और हमेशा मेरे रहोगे। हमेशा मेरा ही रहेगा। कौन? मैं अभी आता हूँ। आई एम कमिंग। कम ऑन बेबी, हम कार में चलते हैं, आ जाओ। तू मुझे बहुत टॉर्चर करता है। 9840-8808। और आप? सपना से मिलना है। सपना से क्या मिलना है? मैं हूँ ना, मुझसे बोलो। आप कौन? कल सुबह तुम्हारी शादी है ना, तुम्हें सबसे पहले विश करना है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। लाइफ में तुमने सही डिसीजन लिया है, जो गलत था उसे इनकार कर दिया और जो सही था उसे सिलेक्ट किया। कॉन्ग्रेट्स, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। चलती हूँ। एक मिनट। क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने सही डिसीजन लिया है और अपने लिए सही आदमी चुना है। लो, दूल्हा भी आ गया, जरा घूम कर तो देख लो। नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छी है ना? ये तो पहले से ही मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये मेरी होने वाली बीवी है, दोनों ही लड़कियां हैं, है ना? मेरी बात सच है ना? इस लड़की के साथ मेरा पुराना हिसाब किताब है, समय निपटा के आता हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमसे अच्छी और सुंदर लड़की देख के मैं उससे शादी कर लूंगा। अब तुम्हारे सामने ही मेरी शादी होगी, तुम्हारे सामने शादी करूंगा, मंगलसूत्र डालूंगा, फेरे लूंगा, सीधा हनीमून। ये आंखें फाड़ कर देखोगी तो मैं डरने वाला नहीं हूँ तुमसे, और ना ही ये शादी रुकने वाली है। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी शादी रोक दोगी? तो ये भूल जाओ, मैं शक्ल से जितना भोला लगता हूँ अंदर से उतना ही बुरा। बात समझ में आई? ए! अरे बाप रे, मैं तो डर गया। उंगली नीचे कर, लेफ्ट में मारूंगा तो राइट में जाके गिरेगी, लेफ्ट में मारूंगा तो राइट में जाके गिरेगी, तू समझ गई ना? जा मेरे दूल्हे। सुरुचि कहाँ है? सुरुचि कहाँ है? मैंने कहा सुरुचि कहाँ है? मार डाला। ए! डर गए क्या? मरी नहीं? मार डाला। 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 मार डाला। मुझे अच्छे से मालूम है तुझे कहां मारने से दर्द होगा, मुझे पता है, इसलिए मैंने सुरुचि को उठाया। मेरे होते हुए तू दूसरी से शादी करेगा? हाँ,
आज तेरी शादी है, लेकिन उसके साथ नहीं, मेरे साथ। तू मेरे साथ ही शादी करेगा, नहीं तो सुरुचि का काम तमाम। सुन, झगड़ा तेरे और मेरे बीच है, बीच में सुरुचि को मत ला। सुरुचि कहाँ है मुझे बता। क्या करेगा हा? क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, बता क्या करेगा, क्या करेगा हा? मुझे मारेगा, मारना हा? मार मुझे, मारना, मार 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 मार। ए! दुख रहा है, तुझे छोड़ूंगी नहीं। गीता, मारेगा नहीं, डरपोक कहीं का, आ जाना, मार मुझे। क्या हुआ, मुझे मारोगे नहीं, मारोगे नहीं ना हा? मैं मारूंगी, मैं मारूंगी, मैं मारूंगी, मैं मारूंगी, मैं मारूंगी। दर्द हो रहा है हा? दर्द हो रहा है। वेरी गुड। दर्द यहां नहीं, यहां हो रहा है। तुझे मारने के लिए एक मिनट भी नहीं लगेगा मुझे, लेकिन मैं मारूंगा नहीं। तूने मुझ पे चिल्लाया, मुझे यहां मारा, बहुत सारी मुझे गालियां दी, मुझे तुम्हें गुस्सा नहीं आया। ये तुम नहीं कर रही हो, ये तुम्हारा प्यार कर रहा है। बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे, क्यों अपने आप से झूठ बोल रही हो? प्यार करती हो मुझसे, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। नहीं करता था प्यार मैं तुमसे, नहीं करता था, बताओ मुझे। स्कूल में हर किसी से कहता था कि मैं गीता से प्यार करता हूं, उसे प्यार करता हूं, उसे प्यार करता हूं, उसे प्यार करता हूं। मैं हाथ काटा था ना तुम्हारे लिए, इसी जगह पर पहली बार किस किया था ना तुमने, लेकिन तुम सब भूल गई, निकाल दिया मुझे जिंदगी से, निकाल दिया। हाँ, गलत किया ये, गलत 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 किया, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। आई लव यू गीता, आई लव यू। तुम्हें उससे शादी करनी है ना, चलो शादी करते हैं, मुझसे शादी कर लो गीता, प्लीज गीता, मुझसे शादी कर लो गीता, प्लीज मुझसे शादी कर लो, तुम प्लीज गीता मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता गीता, तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे माफ कर दो गीता। I love you. इतने साल मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? मुझे माफ कर दो गीता, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझसे शादी कर लो। क्यों रो रहे हो? सुरुचि कहाँ है, बताओ मुझे वो कहाँ है? मैंने उसे कुछ नहीं किया, ऊपर टेरेस पर बांध कर रखा है। सच में? थैंक यू गीता, मैं तो डर गया था। शादी अभी करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़ध्वजा, हमारी शादी संपन्न होने जा रही है, टेंशन मत लो। यहाँ दूल्हा भी मैं और पंडित भी मैं, तुम्हें मेरी एक्टिंग पसंद ही आई होगी, इसे कहते हैं नंबर वन हीरो। हाँ। सुचि, तुम ठीक तो हो ना? रोना मत, रोना मत, रोना मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना, मैं आ गया हूँ ना, अब कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है? रोना मत, रोना मत, रोना मत, चलो 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 चलो। अरे अरे, क्या कर रही हो? हाँ, डरो मत, मैं हूँ ना। अरे चलो,
100% राइट नाउ। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं है बेटा, तुम आराम से घर जा सकती हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जो कभी नहीं सुधरने वाली। इस जन्म में तो क्या, अगले 10 जन्मों तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। मुझे पता है तुम कभी सुधरने वाली लड़की नहीं हो, अभी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि भगवान मेरे साथ है।